गुड आफ्टरनून इंडिया आज आप लोगों का जो है पसंद का क्लास बहुत जो है आप लोगों में से बहुत जो है इस क्लास का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन फिर भी हम ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट जो है एकदम लास्ट में क्यों किए बहुत आप लोगों में से बहुत बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों किए की। क्योंकि मेरे पास दो दो जिम्मेदारी थी एक तो जो क्लासरूम में और ऐप में जो बहुत बेहतरीन लेवल पर बहुत अच्छे से मस्ती के साथ एक एक लाइन में डूब डूब कर हम पढ़े हैं उन लोगों का मैक्सिमम चीज़ तैयार होगा अगर हम पहले ही शॉर्ट लॉन्ग अगर दे देते तो आप जो है दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सौतेला व्यवहार से देखते ये सब क्वेश्चन जो है उसको लगेगा नहीं यही आ सकता है तो जो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि साल भर इतने अच्छे से पढ़े हो आप जो भी क्वेश्चन आए सब आपसे बनेगा क्योंकि पूरा सिलेबस और सिलेबस से बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेंशन क्या है मनना ही तय है मनेगा इसी वजह से जो है आ, हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग को प्रेफरेंस एकदम नहीं दिए कोशिश किए कि लास्ट में लेकिन हाँ एक जिम्मेदारी तो ये दूसरी जिम्मेदारी ये थी जो न्यू जुड़े थे जो क्लासरूम और ऐप में नहीं पढ़ पाए थे जिनका मैसेज में भी हम देखते थे आप लोग बहुत मतलब आ, कहते थे सर कि मतलब काश ये चैनल पहले मिल जाता तो उन लोगों के लिए भी मतलब कुछ ऐसा करना था कि हाँ शॉर्ट लॉन्ग उनको भी मिल जाए इम्पॉर्टेंट सब तो उसका बीच का रास्ता वही था कि थोड़ा लेट में हम दे दें ज़रूर लेकिन थोड़ा लेट में ताकि जो ऐप में और क्लासरूम में है वो अपना पूरा लगभग लगभग रिवीजन कर ले और पूरे सिलेबस को लेके जाए और उसके बाद फिर लास्ट में जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉग मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा इस वजह से दोनों चीज़ को निभाने का हम कोशिश किए और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बोर्ड में आने वाला है 2023 में आप लोगों से मुलाकात होने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन आज हो जाए मैक्सिमम कोशिश हम यही किए हैं कि ये इतना क्वेश्चन अगर आपके पास है तो इसका मतलब उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप मस्ती से छ क्वेश्चन पूछ पूछना है तीन क्वेश्चन बनाना है मतलब बल्ले बल्ले आप आराम से बना सकते हो देखो जो क्लासरूम में है और जो ऐप में है उनका मैक्सिमम क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि तैयार होगा लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सब रेडी है ना ठीक है और जिनका नहीं है जो न्यू जोड़े हैं अगर नहीं है तो हम इनका आंसर भी मैक्सिमम क्वेश्चन का जो है ना आंसर भी हम दे देंगे पीडीएफ में और अभी बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग जो है समझ लेंगे एकदम रिवाइज कर लेंगे याद टाइप का तो आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका मतलब है कि आपको जो है आपको भी पीछे हटने का जरूरत नहीं है कंप्लीट एक टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है पूरा का पूरा और गॉड से हम लोग प्रे करेंगे कि भाई ये जो जितना सा क्वेश्चन है इसी में से आ जाए जिसका नाइन्टी परसेंट से एभव चांस तो है कि लगभग लगभग इसी में आपका आराम से तीन क्वेश्चन बन जाएगा कोई ज़्यादा टेंशन होने का जरूरत नहीं है तो चलिए अब शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है लेकिन पहले आप हमको बता दो क्या आप हमको एकदम अच्छे से देख पा रहे हो अच्छे से सुन पा रहे हो सबसे पहले तो ये बताओ यस सर यस सर यस सर यस सर हाँ बाबू बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको सब लोग बहुत अच्छा करोगे बस मेहनत करते जाना है यस 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 थैंक यू बाबू चलो मस्त क्या बात है मस्त आवाज़ आ रहा है चलो ठीक है बहुत एकदम तुम लोग जोश में लग रहे हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए शुरू करते हैं तब <laughs> देखो सबसे पहले ना हम थोड़ा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कौन सा कौन सा क्वेश्चन अभी इस बार लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए लॉन्ग में ठीक है और एक चीज और यार मतलब बोलना चाह रहे थे कि अभी बहुत मतलब एक्सेस लोड था उस वजह से जो है हम एक दो दिन आपसे नहीं साथ रह पाए लेकिन अब हम लोग जो है आगे जबरदस्त रूप से रहेंगे और ये वीक में भी बहुत कुछ हो जाएगा मतलब ये जो वीक है ना इस वीक में भी जो है बहुत कुछ हम लोग कर लेंगे सा, आ, बहुत सारे चीज़ का ऐसा रिवीजन कि एकदम मतलब मस्त टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अब जो है एकदम मतलब पिछला दो दिन हमको लगता है फ्राइडे और सैटरडे नहीं सैटरडे और संडे दो दिन से बीच में क्लास नहीं हुआ था हम साथ नहीं थे आपके जो है लेकिन अब हम लोग एकदम साथ हैं और कोशिश करेंगे कि सारा का सारा चीज़ एकदम रिवाइज हो जाए और ये वीक आपको फुल कॉन्फिडेंस दे दे है न चलिए तो सबसे पहले जो है ना हम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है फिर उसके बाद उसका आंसर भी देखो <coughs> इस बार के लिए 2023 के लिए जो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको लग रहा है कि वो सॉल्यूशन चैप्टर से डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाउ वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट इट हो सकता है इसमें छोटा मोटा न्यूमेरिकल लगा ले जो आराम से बन जाता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लेकिन क्वनांग के उन्नयन को परिभाषित करें इसके द्वारा कैसे विले विले आप समझ रहे हो घुल घुला तो जो घुल होता है ना वही सॉल्यूट होता है विले होता है जो विलियन में घुलता है तो इसके द्वारा कैसे विले मतलब सॉल्यूट ठीक है का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है ये एडिशनल ये मेन क्वेश्चन ये है हमारा थोड़ा सा पूछ ये जोड़ दिया ठीक है ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमको लग रहा है कि लॉन्ग में पूछा जा सकता है उसी का जुड़वा भाई है ये दोनों क्वेश्चन अलग नहीं है बाबू इसको अगर याद कर लिए ना मैक्सिमम समझ लो कि ये भी याद हो जाएगा अभी हम देखना ना रिविजन करा देंगे तो इस दोनों में से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है ठीक है वॉट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांग का घटना है ना फ्रीजिंग पॉइंट का घटना हाउ वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई इट्स सेम क्वेश्चन है लेकिन एक उबलनांक अधिक जो हो जाता है उस पर क्वेश्चन है और एक जमनांक जो कम हो जाता है उस पर क्वेश्चन है बहुत मस्ती के साथ हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर अभी हम रिवीजन कर देंगे ठीक है पहले क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ rate कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको लगभग श्योर क्वेश्चन लग रहा है ये ठीक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक स्थिर का व्यंजक प्राप्त करें ज्ञात करें ये जो क्वेश्चन है आपका अब आप ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल हु बहु सेम है जिस तरह से ये अलग ये दोनों क्वेश्चन सेम था एक मेहनत में दो क्वेश्चन हो जाएगा उसी तरह से इसमें और इसमें एक मेहनत में दोनों क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों में से कोई एक ज्यादा चांस फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन इस दोनों में से कोई एक हमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करके रखना है इस दोनों में से भी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए डेरा हाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का जो फॉर्मूला निकालते थे 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉग आर नोट बाई आर वही निकालना है आपको ठीक है ये क्वेश्चन को, ये, ये ये फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है और ये आपको जीरो ऑर्डर में निकालना है डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ज्ञात करना है तो ये दोनों भी समझ लो कि जुड़वा भाई एक बार मेहनत करोगे दोनों हो जाएगा ठीक है अच्छा डिफाइनिंग रॉल्ट लॉ ये शॉर्ट में भी पूछ देता है लॉन्ग में भी पूछ देता है लॉन्ग में जब पूछेगा तो पूरा फिगर के साथ बनाना है इसका भी आंसर अभी हम आपको बता देंगे आप लोग तैयार करिएगा ठीक है है और जो और जो ऐप क्लासरूम में होंगे हमको लगता है कि वो तो तैयार ही होगा लेकिन एक बार देख लेना सबको कि हाँ, ये तैयार है ना ये मिस नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा आप बहुत लेके जाओ उसी के लिए तो हम आपको पूरा साल भर मेहनत कराएं लेकिन ये मिनिमम है इसको तो आपको करना ही करना है इससे कम नहीं ठीक है चलिए उसके बाद फिर डिस्क्राइब ठीक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 देखो H2SO4 बनाने के लिए जो संपर्क प्रक्रम है आपको उसको तैयार करना है क्योंकि NH3 जो है लास्ट ईयर पूछा है बाईस में तो वो लेकिन NH3 ऐसा क्वेश्चन है ना बाबू कि उसके लिए ना लगातार ईयर का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लोहा का निष्कर्षण जो है तीन चार साल लगातार पूछा है तो NH3 भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है मतलब वो इस साल आ गया तो अगला साल नहीं आएगा ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी तैयार रखना है लेकिन एच टू एस फोर पर थोड़ा सा ज़्यादा चांस है ठीक है और एस टू एस फोर और एन एस थ्री के बनने का बहुत बहुत हद तक तरीका भी सेम है क्योंकि जो पूरा पढ़े हुए हैं ना तो उनको मतलब जो है दिमाग में आ रहा होगा कि वो लगभग लगभग लग, लग, लग सेम है इसका भी आंसर हम अभी कर देंगे आपको रिविजन हो जाएगा उसके बाद आयरन और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन और एल्युमिनियम का लेकिन छोटा सा कॉपर छोटा सा जिंक जो है ये दोनों भी हमको तैयार रखना है लेकिन एल्युमिनियम और आयरन का जो एक्सट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए ठीक है चलिए उसके बाद अगला न्यूक्लिक एसिड हम लोगों का सिलेबस जब थर्टी वन दिसंबर को एंड हो रहा था तो न्यूक्लिक एसिड डी एन ए और आर एन ए में अंतर ये हमारा लास्ट टॉपिक होता था बायोमोलिकुल्स चैप्टर में तो वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब देखिए हम जानबूझ के ये वाला दे दिए हैं बाबू क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम को एन एस थ्री वाला याद होगा क्लासरूम में ही हम याद कराए हैं तो आपको जो है उसको जो है भूलना नहीं है मतलब जो है अगर भूल गए या फिर जो है नहीं देख के गए ठीक से फिगर नहीं बना तो पांच नंबर का सवाल है इस वजह से जो है आप उसको आ, मिस नहीं करना है इसको एक बार देख ही लेना है ठीक है चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पॉलीमर यहां पर से जो क्वेश्चन है देखो इधर जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं इसमें से लगभग लगभग हमको लगता है कि तीन क्वेश्चन आ सकता है इधर वाले का इधर वाले पोर्शन को भी बहुत तगड़ा करके अगर रख लो आप तो हमको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हो पूरे लॉन्ग को लेकिन ऑर्गेनिक से भी लॉन्ग पूछता है तो ऑर्गेनिक में बहुत कुछ हम लोगों का किया हुआ है बहुत कुछ हम आगे करेंगे ठीक है तो कहां तक पहुंच गए थे हाँ पॉलीमर में ये भी हम आपको अभी रिवाइज कर देंगे पॉलीमर एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर का आपको डेफिनेशन और ये सब का बहुलक पता है ये समझ लो कि पैकेट में नंबर है पॉलीमर का मोनोमर कितना आसान होता है याद रखना और पांच पॉलीमर पूछ के पांच मोनोमर आपको पूछ लेगा पांच नंबर आपको पैकेट में दे देगा मतलब इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखना है सबका मोनोमर लिख लेना है पॉलीथीन का मोनोमर कौन है इथिन पॉली हटा जहां पॉली दे दिया पॉली हटा दो मोनोमर का नाम हो गया तो पॉलीमर से मोनोमर का नाम लिखना भी लॉन्ग क्वेश्चन में जरा इंपॉर्टेंट होता है आ गया तो समझ लीजिए आपका फ्री का नंबर देखे जाएगा बस उसको लिखना है उसका मोनोमर अगर याद नहीं रहा तब तो पेज में फंस जाओगे तो मैक्सिमम का आपको याद रखना आज भी हम आपको रिविजन करा देंगे ठीक है ये दोनों को आप एक कैटेगरी में रखिए उसके बाद कॉर्डिनेशन कंपाउंड में कॉर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉर्डनेशन कंपाउंड आपको दिया जा रहा था उसका आपको नाम लिखना है ऐसे तो हम चार पांच दे दिए हैं आपको लेकिन आपके पास इतना पोटेंशियल है हम लोग जो है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन शॉट भी किए हुए हैं कि कॉर्डिनेशन कॉर्डनेशन कंपाउंड में कोई भी कॉर्डिनेशन कंपाउंड का अगर नाम दे दे तो आप आराम से कर सकते हो तो पांच कॉर्डिनेशन कंपाउंड का वो नाम दे देगा और वो उसका जो है आंसर पूछ सकता है ये आपका लॉन्ग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अभी तक 11 क्वेश्चन हो गया ठीक है ये आपका कॉर्डिनेसन केमिस्ट्री से हो गया ये दोनों पॉलीमर से हो गया ये ऑर्गेनिक में आपका ये ऑर्गेनिक में हैबर प्रोसेस से हो गया ये हमारा पी ब्लॉक से हो गया ये हमारा पी ब्लॉक से हुआ एच एन ओ थ्री एक बचा हुआ है वो भी हम लॉन्ग में आगे दे दिए हैं ठीक है लेकिन हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एन एस थ्री को छोड़ना नहीं है ठीक है उसके बाद ये दोनों तो बिल्कुल सेम है अभी देखिएगा रिविजन खटाखट हो जाएगा और ये दोनों भी सेम है अभी एक बार बताओ अभी 11 क्वेश्चन जो हम आपको बताए बाबू इस 11 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना तैयार है जो ऐप में और क्लासरूम में है और बाकी सब दे सकते हैं अब मेनली तो मेहनत हम कर रहे हैं ठीक है कि इनका ऐप में और जो क्लासरूम में उनका तो बहुत हद तक तैयार है बस एक मस्त ऐसा रिविजन हो जाएगा और बहुत लोग जो जिनके पास नहीं है लॉन्ग उनके लिए तो यह अमृत हो जाएगा कितने लोगों का तैयार है आप हमको बताइए तो आई हाई 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 यही तो हम चाह रहे थे देखो बहुत का आ रहा है दिल खुश का आ रहा है सर ग्यारह में ग्यारह तैयार है बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड सब याद है सर जय भीम स्टडी सेंटर इनकी भी कह रहे हैं कि सब याद है बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा आपका दस है नौ है दस है नौ 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 सात 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 जिनका है ना थोड़ा सा बढ़ाइएगा उसको ठीक है सात से नहीं पूरा कंप्लीट लेके जाना अभी और हम आपको बताएंगे आपने सर केमिस्ट्री तो आसान कर दिया था क्लासरूम में और ऐप में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये सब वहीं पर याद करने का कोशिश किए थे मैक्सिमम जो है बस अब लास्ट टाइम में इतना टाइम आपको मिला आप ज़रूर बहुत अच्छे से रिवीजन करके उसको रखे होंगे लेकिन हम भी रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको बहुत आसान हो जाए मैक्सिमम का ग्यारह दस नौ आठ आ रहा है ठीक है अच्छा छः भी किसी का आया है तो मतलब जो छः हैं थोड़ा सा उसका तैयार करना है ठीक है हाँ हाँ हम हाँ, हम हाँ, क्वेश्चन ये दे रहे हैं बाबू ठीक है ओ हाई हई राकेश जी आप जो है चोरी कर लिए हैं सर पिछला साल का वीडियो से तैयार कर लिए हैं अच्छा हम हाँ पिछले साल भी लिए थे इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कुछ लिखा हुआ उसमें उसका भी इसमें मिलेगा आपको तो मतलब अच्छा आप उधर से तैयार कर लिए हैं अच्छा 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 ऐ बा रे बाबा ये तो याद है लाइट धड़ाम धुड़ीम वाला वही धड़ाम से गिरा अभी रुको देखें ठीक करें ठीक करो यस हाँ, ये एलेवन हो गया उसके बाद देखो रीजनिंग क्वेश्चन जो कि हम आपको फटाफट जल्दी से रीजनिंग क्वेश्चन जो पी ब्लॉक में भी हम आपको बताए थे और और भी बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन हम आपको दे देंगे लेकिन मैक्सिमम रीजनिंग क्वेश्चन ये आप लोगों का याद हो चुका है क्लास में ठीक है लेकिन हाँ इसमें भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम आपको इंपॉर्टेंट जो है वो आपको हम दे देंगे ठीक है उसके बाद थर्टीन ये है वॉट हैपेंस पता है लॉन्ग में एक चीज़ हम देखें कि लॉन्ग में आपका थोड़ा और ज़रा सा पीछे कर दो तो थोड़ा और पीछे ये ये लाइट को और पीछे करो ना थोड़ा बस 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 बस, बस। साइनिंग ज़्यादा नहीं आना चाहिए थैंक यू नहीं सब लाइक करो नहीं तो, नहीं तो। नहीं, ए देखो ये तुम कौन कौन सा जो है मतलब नया चीज़ ये कर रहा है <laughs> हाँ तो हाँ ये क्या क्या कहना चाह रहे थे हम कि वॉट हैपन्स वेन इनऑर्गेनिक वाला भी और ऑर्गेनिक वाला भी दोनों ऑर्गेनिक वाला वाट हैपन्स वन मे भी हम कल कर दें ठीक है पूरा एक ही क्लास में हम आपको कर देंगे वो रिएक्शन का ही दूसरा फॉर्म है ऑलरेडी आप लोगों का तैयार है लेकिन ये हम एक लेक्चर में पूरा का पूरा व्हाट हैपेंस आते हैं एक रिवीजन कर दें अच्छा क्या हम नेक्स्ट क्लास में व्हाट हैपेंस व्हेन ही कर दें आप लोग बताओ तो हमको लग रहा है वही ज़्यादा शेड्यूल अच्छा होगा क्या बोलते हो एक ही क्लास में पूरा वाट वॉट हैपन्स वेन का रिविजन यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस चलो वेरी गुड तो लगभग लगभग डन डन अडन पिछले अगले क्लास में जो है हम एक ही क्लास में पूरा का पूरा व्हाट हैपेंस व्हेन कर देंगे ठीक है और इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे उसके बाद नेम रिएक्शन ऑलरेडी हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दे दिए हैं और मे बी कुछ दिन में हम दो चार दिन में जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दिन में रिवीजन करा देंगे तो उसमें और सारा नेम रिएक्शन जितना होगा हम बता देंगे आपका ताकि कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से वो भी मेरा प्लान में है कि पूरे एक ही क्लास में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग रिविजन कर लें ठीक है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिकल्स में एक और क्वेश्चन है जो कि फ्री का नंबर देके जाएगा क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट याद करिए जब कार्बोहाइड्रेट शुरू किए थे तो हमको लगता है शुरू का 12 पेज तो जरूर गया होगा कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसको अगर बांटने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप हमको लगता है उसको पढ़ा दोगे लेकिन हां ये ध्यान रहेगा एक बार देख के जाओगे तभी अच्छे प्रॉपर वे में उसको कर पाओगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा इस वजह से इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासीफाई डैम असोलवा नंबर में हम वही चनौथरी को डाल दिए हैं क्योंकि ये इसको भी छोड़ के नहीं जाना है तो ये सोलह क्वेश्चन है उसके बाद एक और हम आप जब वाट एपेंस वैन बताएंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बता देंगे केमिस्ट्री जब रिवीजन कराएंगे तो उस समय एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको पांच या तीन जो है ना ग्रुप दे देगा हो गया ठीक देखना फिर कुछ धाम धुड़ी में नहीं हो तो तीन या पांच कंपाउंड का आपको ग्रुप दे देगा और उसमें अंतर पूछेगा कि आप ना चार पांच टेस्ट हमको बताइए ऐसा टेस्ट जिससे उसका अंतर हम कर सके जैसे कि फॉर्मल डिहाइड डी एसिटल डीहाइड में अंतर कैसे करेंगे एसिटोन और प्रोपिनोन में अंतर कैसे करेंगे मेथेनोक एसिड और एसिटिक एसिड में अंतर कैसे करेंगे यह भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि बन जाता है और अमूमन पूछ देता है तो उसका भी जिस दिन वाट हैपेंस वन कराएंगे मे बी कल उस दिन यानी तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको एक ही साथ हम दे देंगे ताकि वो भी आपका तैयार हो जाएगा तो इतना सा अगर कर लेते हो बाबू ठीक है इतना सा अगर कर लेते हो तो हमको लगता है कि कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है हार्ट बीट बढ़ाने का एकदम जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोगों का बहुत सारा तैयार है ठीक है और ये लॉन्ग अगर इतना सा आपका तैयार है तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले है कोई टेंशन और कोई डरने वरने का जरूरत नहीं है अब हमको नंबर बताओ कि इस चौदह में नहीं नहीं सोलह में सोलह में आप लोगों का कितना तैयार है वाट अलग से तो अभी नहीं किए होंगे आप इसको हटा दो इसको हटा दो इसमें अब आओ सोलह में पंद्रह तो होना चाहिए अब बताओ सोलह में कितना आप लोगों का तैयार है पंद्रह पंद्रह वेरी गुड बारह पंद्रह रमेश जी आपका पंद्रह वेरी गुड हाँ ये हुई बात ठीक है बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैक्सिमम का बहुत आ रहा है सोलह देखो पता है जानबूझ के हम इसीलिए जो है ना आ, लास्ट में दे रहे थे क्योंकि अगर शुरू में दे देते तो ऐप वाले और क्लासरूम वाले ने जो है बस यही सब क्वेश्चन देख लेते एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते अब आप एक्स्ट्रा भी पढ़े हुए हैं और लास्ट में आपको लॉन्ग भी मिल गया और इतना सा समय है अभी आठ दिन है कि आप आराम से जो है इसको रिविजन कर सकते हो चलिए बिना समय बता व्यतीत किए हुए हम लोग जो है इसका इसको थोड़ा सा हम आपको जो है रिविजन करा देते हैं देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाउ वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाइट क्वनांग में उन्नयन को परिभाषित करें तथा सॉरी परिभाषित करें इसके द्वारा विलय का अनु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है एकदम दिमाग में एक बात को रखो कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हम आपको बोले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से है एक जैसा है क्या होता था आप फटाफट देख लीजिए देखिए अभी कैसे तुरंत रिवीजन हो जाएगा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग क्या लेते थे एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट पानी का ही दूसरा नाम है कोरोना के बाद पानी सॉल्वेंट हो गया है तो सॉल्वेंट का मतलब हो गया वाटर ठीक है अच्छा जब इसमें हम लोग नन भोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं नन भोलाटाइल सॉल्यूट मतलब नहीं उड़ने वाला सॉल्यूट नहीं उड़ने वाला सॉल्यूट जब हम लोग डालते हैं जो सॉल्यूट उड़े नहीं वास्पित नहीं नन वोलाटाइल सॉल्यूट तो आप जान रहे हो कि ये क्या जाएगा भाई सॉलिड और ये पहले से क्या था लिक्विड तो पहले लिक्विड लिक्विड था लिक्विड लिक्विड था पहले लिक्विड लिक्विड था सिर्फ क्योंकि सिर्फ पानी था ना सिर्फ पानी था तो लिक्विड लिक्विड का बुंद था जैसे उसमें आपने चीनी डाला सॉल्यूट डाला विलेय डाला तो विलेय किसको कहते हैं जो घुल जो घुल और सॉल्वेंट किसको कहते थे जो घुला घुला है ना तो अगर आप सॉल्यूट को डाले सॉल्यूट को डाले तो सॉल्यूट हमारा जनरली कैसा होगा भाई चीनी नमक एन तो ये सब सब होगा सॉलिड गीला आटा है उसमें अगर और आटा आप दे दीजिएगा तो आटा कैसे टाइट हो जाता है हाँ आटा जो है टाइट हो जाता है उसी तरह से यहां पर प्योर पहले पानी था लिक्विड लिक्विड था और तुम जैसे इसमें सॉलिड डाल दिया तो अब इसमें सॉलिड भी आ गया और पहले से लिक्विड था मतलब पहले लिक्विड लिक्विड था अब सॉलिड लिक्विड हो गया तो अब जानते हो कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड सॉलिड के बीच में होता है उसके बाद सॉलिड लिक्विड उसके बाद लिक्विड लिक्विड के बीच में होता है तो सॉलिड लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन लिक्विड लिक्विड से क्या होता है ज्यादा होता है तो पहले सिर्फ और सिर्फ पानी पानी था मतलब गीला था जब आपने इसमें चीनी आपने डाला नन भोला सोल्यूट डाला अवास्पशी विलय डाला, डाला तो फिर अब सॉल्यूट सॉरी सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो गया और सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन हो जाने से क्या हुआ इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया बढ़ गया अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया बढ़ गया और अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया बाबू तो अगर आप इसको तोड़ तोड़ के उड़ाना चाहते हो वास्पित करना चाहते हो तो अब टेम्परेचर भी लगेगा ज़्यादा ताप भी लगेगा ज़्यादा गर्मी भी लगेगा ज़्यादा ऊर्जा भी लगेगा ज्यादा और जिस ताप पर ये गैस बन जाता है उसी को ना क्वनांग कहते थे तो पहले कमजोर बल था लेकिन अब चीनी डाल देने से टाइट हो गया मतलब फोर्स क्या हो गया बढ़ गया अच्छा फोर्स बढ़ जाएगा तो क्वनांग जिस ताप पर वो वास्पित होने वाला था उसको तोड़ने में तो अब आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा मतलब उसका क्वनांग भी अधिक हो गया इसी घटना को कहते थे क्वनांग में उन्नयन 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 का मतलब होता है बढ़ना तो डिफिनेशन क्या देते थे भाई जब अवाष्पशील विले याद आ गया होगा को शुद्ध विलायक के साथ मिश्रित करते हैं तब विलियन के अनु के बीच विलियन के अनु के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है क्योंकि पहले द्रव द्रव था अब अब ठोस द्रव हो गया तो अब आपका टाइट हो गया आकर्षण बल बढ़ गया ठीक है जिस कारण से विलियन का क्वनांक अधिक हो जाता है इसी घटना को क्वनाक का उन्नयन कहते हैं खत्म बात वेनन बोला टाइल सॉल्यूट इज मिक्स विद प्योर सॉलवेंट देन एट्रेक्टिटिव फोर्स बिटवीन मॉलिकुल्स ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सोल मॉलिकूल ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू विच बॉयलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजे सोल्यून का बॉयलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है दिस फिनमिना इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट अच्छा यहाँ पर यहां पर क्या था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है इसके अगला वाला लॉन्ग क्वेश्चन में जो डिप्रेशन में दिए हैं उसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है घट जाता है क्योंकि आप जानते हो एट्रैक्टिव एक, हाँ, एक्ट्रक्ट, फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होता है समानुपाती और एट्रैक्टिव फोर्स और फ्रीजिंग पॉइंट होता है विथ कर पाती मतलब सौतेला भाई तो अगर एट्रेक्टिव फोर्स बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा एट्रैक्टिव पहले क्या था सिर्फ और सिर्फ पानी था आपने उसमें क्या किया चीनी मिलाया मतलब नन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो जैसे नन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया एट्रेक्टिव फोर्स बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया पहले क्या था भाई पानी था नन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे मिलाया तो एट्रेक्टिव फोर्स क्या हो गया बढ़ गया एट्रेक्टिव फोर्स जैसे बढ़ा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया बढ़ गया अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना बढ़ने को ही तो कहते हैं उन्नयन भाई तो बॉइलिंग पॉइंट चूंकि बढ़ गया इसी घटना को कहते थे हम लोग क्वनांग का उन्नयन ठीक है ये देखो इतना सा आप लोग परिभाषा लिख देना पहले इसको सूचित किया जाता है डेल्टा टीबी से तो लिख दिया डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है ठीक अब इसको एक मस्त ऐसा आपको एक ग्राफ बनाना है ठीक है देखो अब ग्राफ में क्या है देखो आपको यहां पर क्या लेना था भाई भेपर प्रेशर याद ही होगा और जिनके पास नहीं था देख लो एकदम खटाक से यहां पर आपको वास्दाब लेना है और यहां पर आपको टेम्परेचर लेना है टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक दो ग्राफ खींच रहे हैं हम एक ग्राफ खींच रहे हैं पानी का और एक ग्राफ खींच रहे हैं विलियन का पानी का ग्राफ हम लोगों ने इसलिए ऊपर किया क्योंकि आपको पता है पानी का जो वास्दाब होता है वो शरबत से क्या होता है अधिक होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन इसको आप लोग मानते थे पी नॉट इसको मानते थे पी एस तो पी नॉट हमेशा क्या होता था ज्यादा होता था क्यों वो भी बहुत अच्छे से हम लोग सीखे थे तो सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है इस वजह से वेपर प्रेशर के एक्सिस में हमने उसको ऊपर रखा इसको नीचे रखा चलिए जिस टेंपरेचर पर जिस टेंपरेचर पर द्रव सॉरी गैस में परिवर्तित हो जाए उसी को उबलनांक कहते थे क्वनांग याद आ रहा है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसी टेम्परेचर को उबलनांक मतलब क्वनांग कहते थे बॉइलिंग पॉइंट अच्छा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा कैसे मैसेज आपको मिलेगा व्हाट्सअप से या नॉर्मल मैसेज से कैसे मिलेगा कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया ये मैसेज है? आपको मिलेगा कैसे तो तब मैसेज मिलेगा जब आप इस ये जो लिक्विड्स जो लिक्विड को जो गर्म कर रहे हो उसका जो भेपर बनेगा वो भेपर जो है वो भेपर का जो प्रेशर है वो वन ए हो जाना चाहिए क्यों क्योंकि हमारे ऊपर जो ये गैस सब है ये हमारे ऊपर वन ए का दबाव लगाता है अगर लिक्विड को गर्म करके आप जो है उसको गैस बना दिए ठीक है और अगर वो भी वन ए का प्रेशर लगाने लगा कौन जिस लिक्विड को गर्म करके आप भाप बनाए हो अगर वो भी वन ए का प्रेशर लगाने लगे तो समझ जाएंगे कि ये लिक्विड जो है पूरी तरह से वाष्प में बदल चुका है और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वाष्प में बदल जाता है मतलब सॉरी गैस में बदल जाता है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्वनांग उबलनांग इंग्लिश में बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं मतलब बॉयलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहना है जिस पर हमारा लिक्विड गैस में चला जाएगा मतलब इस लिक्विड का जो वाष्प बन रहा है उसका दबाव गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए मतलब वन एटीएम के बराबर हो जाए ठीक है तो अब तुम देखो ये हमारा सॉल्वेंट है ये हमारा सॉल्यूशन है देखो यहां पर हम लोग वन ए ले लिए ये हमारा वन ए है तो देखो वन ए कहां पर कट रहा है भाई यहां पर कट रहा है कितना टेम्परेचर है तो इतना टेम्परेचर है इस एक्सिस में आप लोगों ने क्या लिया था टेम्परेचर तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो टेम्परेचर है लेकिन इस सारे टेम्परेचर में ये क्या है भाई बहुत स्पेशल टेम्परेचर है और इसमें स्पेशल इस बात क्या है इसमें इस स्पेशल बात क्या है तो इसमें स्पेशल इस बात है कि इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया है समझ में आया तो जिस पर किसी भी लिक्विड का वास्प दाब, एक ATM हो जाए तो समझ जाइए मेरा दबाव आपका दबाव नहीं हवा गैस का दबाव होता है तो समझ जाइए कि ये वाला लिक्विड जो है वो गैस में बदल चुका है और जिस टेंचर पर ऐसा हो गया उसको हम क्वनांग कहते हैं तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे क्वनांग सॉल्वेंट सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का ये सॉल्वेंट का ग्राफ था ना क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटीएम हुआ इस पर तो ये टेम्परेचर कहलाएगा इस सॉल्वेंट का समझ में आया अच्छा उसके नीचे कौन है भाई सॉल्यूशन सेम काम वन एटीएम को और आगे बढ़ा दो कहां कटा यहां कटा अच्छा अब ये देखिए कि नीचे जब नाइन्टी डिग्री पर लाते हो आप टेम्परेचर के एक्सिस में कहा काटता है यहां पर तो सारा टेम्परेचर है यहाँ जीरो डिग्री वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर ये भी टेम्परेचर है लेकिन इस टेम्परेचर पर स्पेशल बात हुआ है क्या स्पेशल बात हुआ है भाई तो इस टेम्परेचर पर ये वाला जो द्रव है इसका भेपर प्रेशर कितना हो गया है 1 atm और जिस टेम्परेचर पर किसी भी द्रव का वेपर प्रेशर वन atm हो जाए तो वेपर प्रेशर वन atm सोए सोए नहीं होता है तब हो जाता है जब वो गैस में बदल जाए तो समझ जाइए ये वाला सॉल्यूशन भी गैस में बदल गया है और जिस टेम्परेचर पर गैस में बदल गया उसी टेम्परेचर को कथनांग कहा जाता है तो ये वाला टेम्परेचर भी होगा Kuthanang. लेकिन किसका सॉल्यूशन का जिसको से से सूचित सूचित किया जाता है, और इसको बी सॉल्यूशन इस के बॉइलिंग पॉइंट को किससे अब तुम देखो पहले आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था भाई इतना जैसे आपने उसमें नन भोलाटाइल सॉल्यूट डाला तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कहां चला गया यहां चला गया देख रहे हो पहले टीवी यहां था और अब कहाँ चला गया यहां चला गया तो पहले इतना सा था इतना सा अब कितना हो गया भाई इतना हो गया तो देखो इतना सा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा तो बढ़ा ठीक है अब बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ा ना उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन एलिवेशन ठीक है तो ये हमारा इतना सा था पानी का क्वनांग इतना सा हो गया शरबत का क्वनांग तो बढ़ा कितना सा जी इतना सा बढ़ा तो जितना सा बढ़ा देखो इतना सा बढ़ा तो ऐसे करके दिखा दिए हैं ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वनांग में उन्नयन जिसको डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है ठीक है अब चलो डेल्टा टीवी निकालोगे कैसे तो बड़ा में छोटा घटाइन बड़ा में छोटा को घटा दीजिए तो आप देखो यहां पर लिख दिए हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन शरबत का बॉइलिंग पॉइंट टी बी अच्छा कितना बढ़ा कैसे निकालिएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना है डेल्टा टी वी तो टी वी मैन टी नोट भी घटा दीजिए टी वी में टी नोट भी घटा दीजिए निकल जाएगा जिसको डेल्टा टी वी से सूचित करते हो टी वी माइनस टी नोट भी टी बी हो गया विलियन का उबल और टी नोट भी हो गया विलायक का उबल नांग यहाँ तक हमारा एक फार्मूला आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी वी माइनस टी नोट भी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट भी अच्छा अब यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और प्रयोग से उनको पता चला ठीक है प्रयोग से पता चला कि ये जो क्वनाक में अच्छा एक स्टेप छूटा हुआ है इसमें अच्छा कोई बात नहीं हम ये इसमें क्या कहते हो पीडीएफ में हम डाल देंगे वो मिस हो गया हुआ है यही वाला चीज जो है मोललता के समानुपाती रूल लिखा हुआ है लेकिन ये हम यहां पर कर देते हैं प्रयोग से पता चला है ठीक है प्रयोग किया और प्रयोग से हमको पता चला लेकिन इस प्रयोग का मुखिया जो है था ना, वो थे रॉल्ट क्या, क्या, क्या पता चला कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग प्वाइंट है एलिवेशन में, में कथनांग में जो बड़ा क्वनांग में जो उन्नयन है वो समानुपाती होता है मोलालिटी के तोतला भाई के मोललता के समानुपाती होता है मोलिटी के क्या होता है समानुपाती होता है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को सूचित किससे करेंगे डेल्टा टीबी से समानु समानुपाती हो जाएगा किसके मोलिटी के जब जब समानुपाती वाले चिन्ह को बराबर में हम लोग लाते हैं एक कॉन्स्टेंट देते हैं तो यहां पर कॉन्स्टेंट दिया गया के चूंकि बॉइलिंग का बात हो रहा है इस वजह से बी इन एम ये आपको यहां तक डिराइव कर देना है ठीक है देखिए एक फॉर्मूला तो यहां पर आ गया था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी बी माइनस टीनोडी ठीक है और दूसरा क्या भाई अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट और इसका मुखिया कौन थे राउल्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुलाटी मुलता के समानुपाती होता है प्रयोग मतलब राउल्ट के अनुसार क्वनांग का जो उन्नयन होता है वो मुललता तोतला भाई मतलब स्मॉल एम के समानुपाती होता है क्वनांग का जो उन्नयन है वो मुललता के समानुपाती होता है क्वनांग का जो उन्नयन है वो मुललता के समानुपाती होता है तो मुललता के समानुपाती कर दिए ठीक है बराबर में लाने के लिए कॉन्स्टेंट दे दिए मतलब इस पूरे लॉन्ग का

वास्तशशील विले को विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के अणु के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है इसी वजह से क्वनांग भी बढ़ जाता है इसी घटना को क्वनांग का उन्नयन कहते हैं फिर आप ग्राफ बनाइएगा जो भी बताए उसके बाद यह वाला उसके बाद मूलता में समानुपाती हो यहां तक ठीक है क्या आपका एकदम अच्छे से यह वाला क्वेश्चन रिविजन हो गया बताइए तो यस 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 हाँ हाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दे देंगे यस yes, बहुत अच्छा वेरी गुड हम लोगों का याद यहाँ अरे तुम लोगों का याद हमको पता है ठीक है ऐप वाले और क्लासरूम वाले के लिए थोड़ा रिवीजन हो गया बस और कुछ नहीं मेनली था उन लोगों को मिल जाएगा जो बेचारा न्यू जुड़े हैं वो उनको मिल जाएगा आप लोगों को तो है ही तो हम इसलिए तो हम इतना लेट दिए हैं लॉन्ग अब आप लोगों का कुछ नहीं आप लोग बस मस्ती से जाओ जो है एग्जाम दे के आओ और हमको जो है बताओ कि सर मस्त गया एग्ज़ाम बस ठीक है मज़ा आ गया सर क्रिस्टल क्लियर क्या बात है वेरी गुड अब चलो अभी यहाँ पर बाबू ये सब भी लिख देना ठीक है पोथा तो बनाना ना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग है ना तो बोलिएगा वेयर डेल्टा टी बी जो है वो एलिवेशन ठीक है एलिवेशन इन बीपी है क्वनांक में उन्नयन है एम जो है ना वो तोतला भाई है मोला है ठीक है और यहाँ पर जो केबी है इसका नाम था मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है ना केबी का नाम क्या होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एक और नाम था याद है कौन इब्लियो स्कोपिक कॉन्स्टेंट इब्लियोस्कोपी कॉन्स्टेंट इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ये लिख दीजिएगा कि डेल्टा टेबी एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट है मोलालिटी जो है एम हमारा मोलालिटी है और के बी हमारा मोलियल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है और ये हमारा या इसी को हम लोग इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया ठीक है अच्छा इसमें एक और पूछ जोड़ता है कि डेल्टा टीबी के द्वारा ही ना सॉल्यूट का मोलर मास की गणना कीजिए देखो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी के द्वारा सॉल्यूट के मोलर मास की गणना आपको करना है तो डेल्टा टीबी के द्वारा विले के अनुभार की गणना ठीक है कर लेते हैं इसमें क्या है इसमें क्या है देखो वी नो दैट हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इन एम अभी जो फॉर्मूला निकाला इसको रहने दो इसको रहने दो मोलेलिटी को खोल दो तो मोलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी किसका सॉल्यूट का मोलर मास का फार्मूला निकालना है ना इसको इधर कर दीजिए डेल्टा टीबी को इधर कर दीजिए तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आ गया के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेल्टा टी बी वन बाय मतलब ये मोलेलिटी का देखो ये मोलिटी का फॉर्मूला बस हम लिख दिए हैं ठीक है इसको बस इधर कर दिए डेल्टा टीबी को इधर कर दिए तो आपको कहा जा रहा था एक ऐसा फॉर्मूला हमको बताइए एक ऐसा विधि बताइए जिससे सॉल्यूट का मास हमको निकल जाए सॉल्यूट का मोलर मास हमको निकल जाए लेकिन डेल्टा टीबी के द्वारा तो लो ना डेल्टा टीबी यहां पुट करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा ठीक है आप ये पुट कर दो ये पुट कर दो ये पुट कर दो लेकिन अगर ये पुट नहीं करोगे नहीं निकलेगा तो वही हमसे करवाना चाहता था कि एक ऐसा फॉर्मूला ला के दिखाइए जिसमें आपको जो है डेल्टा टी टीबी जब तक हम नहीं पुट करें तब तक ये नहीं निकले डेल्टा टी बी के द्वारा तो उसी के द्वारा निकलेगा पहला क्वेश्चन कंप्लीट चलिए दूसरा क्वेश्चन रिवाइज करा दें हम आपको अगला है कि भाई हिमांक में अवनवन से आप क्या समझते हो हिमांक में अवनवन से आप क्या समझते हो ठीक है हाउ वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाईट वही सेम चीज आप देखो फिर से वही फिर से वही जो अभी किए आप सेम सॉल्वेंट ले लेना है इसमें क्या डालिएगा नन भोला टाइल सॉल्यूट जो कि होता है सॉलिड मतलब चीनी और यहां क्या है भाई पानी है सॉल्वेंट है जैसे इसमें डालिएगा तो चीनी जैसे डालिएगा टाइट हो जाएगा मतलब एट्रैक्शन बढ़ जाएगा और एट्रैक्शन का उल्टा होता है फ्रीजिंग पॉइंट जमनांग तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा घट जाएगा तो हम लोग क्या लैंग्वेज बनाएंगे जब अवासिल विलय को किसी विलियन में मिलाते सॉरी विलायक में मिलाते हैं मतलब पानी में सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो विलियन के अनु के बीच क्योंकि ये दोनों को मिलाइएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा विलियन के अनु के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और इसी घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं हिमांक का घटना हिमांक का घटना हिमांक का क्या भाई अवनमन कहते हैं ठीक है जैसे आप लोग देखते हो कि अगर आप पानी सिर्फ रखते हो फ्रिज में तो जीरो डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाएगा लेकिन अगर आप आइसक्रीम बनाने के लिए उसमें दूध हुआ काजू किशमिश हुआ चीनी अगर डाल दिए तो अब वो जीरो पे नहीं जमता है आप ये एक्सपेरिमेंट आराम से घर पे कर सकते हो आप जो है फ्रीज़र में आप शुद्ध पानी रखो और फ्रीज़र में जो है आप जो है पानी में चीनी मिला के या बहुत कुछ मिला के आप रखो तो आप क्या देखिएगा कि पानी जम गया जो प्योर पानी जम गया है लेकिन पानी में जब आप नन भोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हो लाइक चीनी नमक ये सब आप मिला देते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाता है अब वो माइनस दस माइनस बारह पर जाके जमेगा फ्रीजर तुम जीरो पे सेट किए हुए हो इस वजह से वो नहीं जम रहा है जल्दी ठीक है तो जब आप कुछ मिला देते हो ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है इसी घटना को हम लोग हिमांक अवनवन कहते थे है ना वे नन भोलाटाइल सॉल्यूट इज मिक्स विद प्योर सोलवेंट देन एट्रेक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिकूल्स ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज हु बहु वही लैंग्वेज है जो आपने एलिवेशन में पढ़ा था बस यहां पर चेंज होगा ड्यू टू विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पर था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यहां पर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यशन डिक्रीजेज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब अवास्तशील विले को शुद्ध विलायक के साथ मिश्रित करते हैं तब तो विलियन के अणु के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है जिस कारण से विलियन का हिमांक कम हो जाता है इसी घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं इसको डेल्टा टी एफ से सूचित किया जाता है अच्छा इसके बाद आप क्या बनाइएगा जरा बताइए तो आप हम लोग ये ये वाला लैंग्वेज आप लिखे ना इसके बाद क्या बनाइएगा बताओ तो हाँ लाइक हो रहा हाँ ग्राफ देखा यस 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 हाँ मनीष जी हैबन प्रोसेस में फिगर भी बनाना है बिना फिगर के कैसे होगा यस ग्राफ ठीक है बहुत अच्छा हो गया देखो याद है आप लोगों को खटाखट रिवीजन भी हो जाएगा अब चलो फ्रीजिंग पॉइंट का आप परिभाषा पढ़े थे कि वह ताप जिस ताप पर किसी भी पदार्थ का उसके सॉलिड और लिक्विड दोनों में भेपर प्रेशर सेम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का था कि वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव का क्वनाक वन एटीएम सॉरी किसी भी द्रव का वास्पताप एक एटीएम हो जाए लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या था वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ का उसके सॉलिड और लिक्विड में भेपर प्रेशर सेम हो जाए तो चलिए फिर से यहां पर भेपर प्रेशर ले लिए ठीक है यहां पर हम लोग टेम्परेचर ले लिए अब अब हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं सॉल्वेंट का ग्राफ ले रहे हैं देखो ये हमारा सॉल्वेंट है पानी यहां से यहां तक जमा हुआ था यहां लिख दिए हैं फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब जमा हुआ सॉल्वेंट और फिर उसके बाद पिघल के यहां चला गया ठीक है तो इतना सा पिघला हुआ है इतना सा जमा हुआ है तो वो कौन सा पॉइंट है जो दोनों में है तो आप बोलोगे सर इसमें क्या टेंशन है ये वाला पॉइंट दोनों में है नहीं ये वाला पॉइंट क्या है दोनों में है सॉलिड और लिक्विड क्या है दोनों में है ठीक तो अगर इस पर वेपर प्रेशर देखा जाए तो इतना सा वेपर प्रेशर आएगा अब चलो ये वाला वेपर प्रेशर क्या है भाई इस पॉइंट का है आ, ये पॉइंट चूंकि इसमें है तो ये वेपर प्रेशर सॉलिड का भी हुआ आ ये पॉइंट इसमें भी है क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट है वो और ये पॉइंट उसका पहला पॉइंट है तो ये पॉइंट चूंकि उसमें भी है और वो लिक्विड है तो ये वेपर प्रेशर चूंकि इस पॉइंट का है और ये पॉइंट लिक्विड में है तो ये वेपर प्रेशर लिक्विड का भी हुआ तो बोलता है कि वो टेम्परेचर ढूंढ के लाओ जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर एक ही हो जाए तो ये टेम्परेचर के अलावा किसी टेम्परेचर में यह गुण नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में वेपर प्रेशर एक ही करे बस यही टेम्परेचर पर ऐसा हो सकता है तो जिस टेम्परेचर पर हो गया उसी टेम्परेचर को कहा जाता है जमनांग चूंकि यह सॉल्वेंड का है तो यह जमनांग कहलाएगा सॉल्वेंट का मतलब हिमांक कहलाएगा सॉल्वेंट <स्थाथ> का तो यह हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है अच्छा जैसे इसमें आप चीनी मिलाइएगा तो शरबत बन जाएगा शरबत बन जाएगा तो एट्रेक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा ठीक है तो ये अब अभी अभी आपका बर्फ था ये आपका पानी था लेकिन जैसे आप इसमें चीनी मिलाइएगा तो अब तो ये शरबत बन गया ठीक है तो शरबत बनने पर एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट जब घट जाएगा तो ये पॉइंट उधर नहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो जो वहां जाके पानी बन रहा था अब क्या होगा यहीं पर पानी बन जाएगा नहीं तो अब देखिए ग्राफ क्या हो गया भाई यहां से यहाँ तक आपका आइसक्रीम है मतलब जमा हुआ शरबत और फिर यहां से यहाँ जो है आपका शरबत पीने वाला शरबत हुआ तो अब बताओ वो कौन सा पॉइंट है जो जमा हुआ भी है और द्रव में भी है मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों में है तो ये वाला पॉइंट लेकिन ये वाला पॉइंट किस में है भाई आइसक्रीम में है आइसक्रीम का मतलब शरबत में अब वो वाला पॉइंट क्या था प्योर पानी में था ऊपर वाला प्योर पानी का ग्राफ है नीचे वाला शरबत का ग्राफ है तो अब ये वाला पॉइंट देख रहे हैं कि हमारा सॉलिड में भी है और लिक्विड में भी है तो जल्दी से टेम्परेचर देख लो इस पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये तो इस टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना हो गया इतना सा हो गया अब तुम देखो ये वेपर प्रेशर है किसका तो ये वेपर प्रेशर किसका है भाई इस पॉइंट का है और ये पॉइंट सॉलिड में भी है और यही पॉइंट आपका में भी है. तो ये दोनों में है तो ये दोनों का हो गया किसका सोल्यूशन तो पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का सेम हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं हिमांक तो ये टेम्परेचर भी आपका हो गया हिमांक लेकिन किसका सॉल्यूशन का अब देखो प्योर पानी का हिमांक कितना था रे इतना ये था टीनोट एफ प्योर पानी का हिमांक अच्छा शरबत का हिमाग देखो कितना हो गया भाई इतना तो अब तुम देखो हिमांग क्या हो गया बढ़ गया कि घट गया आप बोलोगे सर पहले हिमांग कितना था और जैसे आपने चीनी मिलाया ना तो हिमांग घट गया मतलब यहाँ आ गया इसका मतलब हिमांग घट गया है ना हिमांग क्या हो गया भाई घट गया इसी घटना को हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन देखो यहाँ आपने डेफिनेशन में भी बोला था कि हिमाग घट गया और यहाँ ग्राफ से भी आपने दिखा दिया कि हिमांग क्या हो गया घट गया है ना घट गया कितना सा घटा इतना सा घटा तो जितना सा घटा उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ब्रैकेट में डेल्टा टी एफ चल अब इसका फॉर्मूला खट से निकाल लें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ये था उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ माने थे आप लोग अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग क्या माने थे टी एफ माने थे अच्छा जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालिएगा तो किस में किसको घटाइएगा ज्यादा में कम टी नॉट एफ में टी एफ घटाइएगा तो टी नॉट एफ में टी एफ घटा दिए तो डेल्टा तो टी एफ का फॉर्मूला हो गया टी नोट एफ माइनस टी एफ डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला टी नोट एफ माइनस टी एफ उसमें था टीबी माइनस टी नोट बी क्वनांग के उन्नयन में चलिए अब ये ये एक फॉर्मूला ला दिए अब दूसरा वाला फॉर्मूला वाला फॉर्मुला तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट इसका मुखिया कौन थे रॉल्ट ठीक है द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनवन का मान जो होता है बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी वहां पर भी मोलालिटी के समानुपा यहां पर भी मोलालिटी के प्रयोग मतलब रोल्ट नियम के अनुसार हिमांक के अवनवन का जो मान होता है वो विलियन की मोललता के समानुपाति होता है हाँ इसमें चलो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट वो भी रॉल्ट ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समानुपाती होगा मोलालिटी के इसको डेल्टा टी एफ से सूचित करते हैं मोललता के समानुपाती हो गया बराबर समानुपाती को बराबर में करने के लिए एक कांस्टेंट दिया जाता है वहां पर के भी दिए थे यहाँ के एफ दे दिए ठीक है तो फॉर्मुला आ गया डेल्टा टी एफ इज इकल टू के एफ इंटू एम डेल्टा टी एफ इज इकल टू के एफ एम के के एफ हमारा यहां पर मोलल डिप्रेशन है जिसको क्रायोस्कोपिक भी, भी कहते थे डेल्टा टी एफ आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और एम मोललता है तो वो क्वनांग का उन्नयन था और ये हिमांक में अवनमन है देखिए दो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का रिवीजन हो गया अच्छा फिर से इसमें भी वही बोलता है इसमें भी वही बोलता है कि आप जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा सॉल्यूट के मोलर मास की गणना करें ये मिस हो गया है यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं हम कर देते हैं ठीक है क्या बोल रहा है कि देखो डायरेक्ट हम इसका जो है आंसर दे देते हैं क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हो अभी हम बताते हैं वी नो दैट क्या फॉर्मूला आया बताइए तो डेल्टा इज इक्वल टू के एफ सॉरी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन एम आया फॉर्मूला क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डेल्टा टी एफ के द्वारा हिमांक में अवनमन के द्वारा सॉल्यूट के मोलर मास की गणना करें बोलता है, इसी के द्वारा सॉल्यूट का मोलर मास निकाल तो इसको वैसे रहने दीजिए डेल्टा टी एफ ठीक है इज इक्वल टू के एफ अब मोलिटी को खोल दो कैसे खोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेकिन किसमें जी के जी में ठीक है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या ऊपर में भी लिखो सॉरी सॉरी मास ऑफ सोलवेंट इनके यहीं पर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है अब चलो मास ऑफ सॉल्यूट को इधर कर दो डेल्टा टी एफ को इधर कर दो तो जाएगा इसलिए मास ऑफ ना मोलर मास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इज इक्वल टू ये आ गया यहां ये यह आ गया, यह गया नीचे तो के एफ मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेल्टा टी एफ है ना ये आ गया यहां ये आ गया नीचे चलो ठीक है इंटू इंटू वन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेकिन किस में के जी में ठीक ये लिखा हुआ भी होगा साथ वही वाला हम दे देंगे लेकिन ये ये चीज भी जोड़ दिया जाता है कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालिए किससे डेल्टा टी एफ से तो देखो अगर तुम ये फॉर्मूला लगा दो तो इस फॉर्मूला से सॉल्यूट का मोलर मास आपको तभी निकलेगा जब आप ये सब रखोगे तब ठीक है तो ठीक है ये सब रखोगे लेकिन अगर मान लो डेल्टा टी एफ तुमने नहीं रखा तो ये कभी निकल ही नहीं पाएगा तो उनका कहना यही था कि आप सॉल्यूट के मोलर मास का ऐसा फॉर्मूला दीजिए ऐसा फॉर्मूला दीजिए जिसमें डेल्टा टी एफ रखना पड़े तो लीजिए ताजा ताजा गर्म गर्म फॉर्मूला तैयार है जब तक इसमें डेल्टा टी एफ रखिएगा नहीं ये निकलेगा नहीं दो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों का रिविजन हो गया चले आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ ये भी मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है बाबू क्या पता ये आ जाए केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के के स्थिरांक की, की गणना है के का फॉर्मूला निकालना है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो थर्ड की तरफ रिवीजन करें हम लोग यस यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस 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 मजा आ रहा है सर हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बताएंगे रे अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी ये वाला कर लोगे ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत आसान है लो तुरंत हो गया खत्म देखो ना अभी खटखट रिवीजन कर लेंगे बोलता है क्या कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें ठीक है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है डेरिवेशन अच्छे से आप ऐसे लिख लिए कि डेरिवेशन करने जा रहे हैं रेट कॉन्स्टेंट का मतलब के के फॉर्मूला का प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रथम कोटी अभिक्रिया का परिभाषा लिख देना है कि द रिएक्शन वह अभिक्रिया हुई बिकम्स इक्वल टू वन वह अभिक्रिया जिसका कोटी जो होता है वो वन हो जाता है उसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं ठीक है द रिएक्शन हुज ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू वन वैसा अभिक्रिया जिसका कोटी वन हो जाता है उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं ठीक है अच्छा हिंदी में भी बोल देते हैं वह अभिक्रिया जिसकी कोटी एक होती है उसे प्रथम कोटी अभिक्रिया कहते हैं ठीक अच्छा ये दोनों पॉइंट क्या है यहीं पर से आता है चलिए पहले उसके बाद ये दोनों पॉइंट हम आपको बताते हैं लेकिन पहले कर लीजिए लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बहुत आसान डेरिवेशन सब है मतलब एक बार में जो नहीं भी पढ़े हैं ना वो भी दिखेगा खट से कर लीजिएगा लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक प्रथम कोटी अभिक्रिया को माने लेट का मतलब माना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सबसे पहले आप लोग क्या करिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाइए रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाने का तरीका हम आपको रिविजन भी करा दिए हैं अभी भी देखिए हो जाएगा सबसे पहले रेट इज इक्वल टू के लिख लो रेट इज इक्वल टू के अच्छा जो रिएक्टेंट है उसका सांद्रन सान को ब्रैकेट में देना है और जो उसका ऑर्डर है वही पावर होगा तो ये तो प्रथम कोटि का है फर्स्ट ऑर्डर का है तो पावर भी वन होगा ठीक है रेट इज इक्वल टू के तो लिखना ही लिखना है जो रिएक्टेंट है उसका सांद्रन और वन क्यू लिखे क्योंकि इसका ऑर्डर वन होता है अच्छा आप लोग जानते हो कि अगर रेट इज इक्वल टू के इंटू आर लिखा हुआ है इसका मतलब जरूर रेट समानुपाती हुआ होगा आर के क्या बोलते हो नहीं अरे कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे तो समानुपाती को बराबर में करने के लिए कैसे दे देते हो इसका मतलब है कि ये जरूर समानुपाती को बराबर में करने के लिए दिया गया होगा तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो रेट समानुपाती होता है के तो यही वाला बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के सांद्रण के समानुपाती होता है निर्भर भी करता है और समानुपाती भी होता है रेट जो है रिएक्टेंट के सांद्रण के क्या होता है समानुपाती होता है वही वाला बात यहां लिख दिए देखो प्रथम कोटी अभिक्रिया में दर का मान मतलब रेट का मान अब अभ, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर करता है ठीक है तथा दर का मान अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है अगर यहां पर रेट इस पर रेट के फॉर्मूला में ये आ रहा है इसका मतलब ये आ, इस पर निर्भर कर रहा है और साथ साथ क्या है समानुपाती है यही वाला दो पॉइंट देखो यहां पर भी लिख दिए हैं हम लोग इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ठीक है डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये स्टेटमेंट पहले आप परिभाषा लिख के ये दोनों स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ठीक है परिभाषा वही जिसका ऑर्डर एक हो जाता है उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं और फिर ये दोनों पॉइंट ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेंगे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कर देंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन लगा देंगे रेट इज इक्वल टू के इन आर जो ऑर्डर है वही पावर चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पावर वन हो जाएगा ठीक समानुपाती हो गया आर के ये यहां तक हो गया इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए अच्छा अब रेट का पुराना वाला फॉर्मूला आप लाइए रेट का पुराना वाला फॉर्मूला रेट का एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे आर बाई डी टी तो बस यही काम वहां भी करना है यहां भी करना है तो एक फॉर्मुला यहां आ गया रेट का रेट इज इक्वल टू के इन टू आर टू दी पावर वन और फॉर्मूला आपको लिखना है रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी इंस्टेंटेनियस रेट वाला फॉर्मुला अब देखो एल बराबर है रेट यहां भी है ठीक है और इक्वेशन नंबर टू में भी यहां पर देखो रेट है तो एलएचएस एलएचएस अगर बराबर है तो आर एच भी बराबर होगा तो यहां भी रेट यहां भी रेट दोनों अगर रेट है एलएचएस एलएचएस बराबर है तो आर एच बराबर होगा तो चलिए यही बोल दिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू यही वाला आरएचएस पहले लिख दीजिए इसका आर एच एस माइनस डी आर वाई और फिर इसका आर जो के आर है उसको यहां लिख दीजिए तो ये दोनों देखिए बराबर हो गया कोई दिक्कत

क्या पता क्वेश्चन में कुछ बड़ा आपको क्वेश्चन दे देता ठीक है जो भी जिस जो भी क्वेश्चन हम लोगों को मिले अगर वो बड़े इंटरवल पर मिल जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा क्यों क्योंकि आप ये फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हो डी पर और डी का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं तो कुछ, 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 अगर काटना होगा तो डिफ्रेंसेशन और छोटे छोटे पीस को अगर जोड़ना होगा तो इंटीग्रेशन तो हम लोग क्या कर देते हैं भाई इंटीग्रेटेड बोथ साइड वी दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर दें देखो इंटीग्रेशन कर दिए ठीक अच्छा डी आर बाय आर ठीक इसको हम लोग दिखे वन बाई आर वन बायर क्योंकि डी आर को वन से गुना कीजिएगा यही आ जाएगा तो इसको नहीं कुछ था यहां पर तो नहीं कुछ है तो वन है वन बाय आर को ऐसे लिखती है ठीक है इंटू डी आर तो वन बाय आर इंटू डी आर हो गया माइनस के को बाहर कर दीजिए क्योंकि आप जानते हो माइनस और के का ना तो इंटीग्रेशन होगा ना तो डिफ्रेंसेशन होगा ये कॉन्स्टेंट है भाई माइनस का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या करोगे बड़ा माइनस हम माइनस का डिफ्रेंसेशन क्या करोगे छोटा छोटा माइनस कुछ नहीं माइनस और कॉन्स्टेंट ना तो उसका इंटीग्रेशन होगा ना तो डिफ्रेंसेशन होगा चलो उसको बाहर कर दो बाहर कर दिए अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई टी अच्छा डी टी रहने दो तो? पहले इसको रहने दो तो इंटीग्रेशन हो गया आप इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं वन बाय एक्स इंटू डी एक्स वन बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है वन बाय आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर तो इसकी जगह पे लिख दिए एल एन आर ठीक है माइनस के वैसे रहने दिए और डी टी का इंटीग्रेशन अगर अगर डी टी है तो ये ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कैंसल टी हो जाएगा क्लियर तो वन बायस इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स और एक्स के जगह पर यहां पर क्या है आर तो वन बाय आर का इंटीग्रेशन वन बाय एक्स अगर होता तो एल एन एक्स वन बाय गधा रहता तो एलेन गधा अब वन बाय आर है तो एल एन आर ठीक आपके डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस सी तो एल एन आर इज इक्वल टू हो गया माइनस के टी प्लस सी और हम जानते हैं कि जब भी हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं कहानी याद होगा जो खतरा वाला कहानी बताए थे तो जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो अपने मन से आप एक कॉन्स्टेंट दे देते हो क्या भाई सी

तो आप ही को ये वैल्यू निकाल के यहां पर रखना पड़ेगा तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो है टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा जैसे हम आपको कहा बताते भी थे कि एक प्लेट है उसमें आपने खाना लिया खाना लिया मतलब क्या रिएक्टेंट लिया क्योंकि रिएक्शन होने के पहले खाना ले खाने के पहले जो चीज होता है वो रिएक्टेंट होता है ठीक अभी आप ऐसे ले रहे थे खाना ले रहे थे वन टू थ्री कैंसिल 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 अभी मुंह में आप नहीं डाले हो ठीक है मुंह में डालेंगे तब ना खाना शुरू होगा भाई अभी मुंह में हम डाले ही नहीं है ठीक है बस खाली देख रहे हैं वन टू थ्री कैंसिल कैंसिल वन टू थ्री कैंसिल कैंसिल लगता था करीब बाप इतना मिठाई है खा लेंगे तो कम हो जाएगा ठीक है तो खा ही नहीं रहे तो अगर हम खा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि खाते हुए टाइम कितना हो गया जीरो ठीक है मुंह में डालेंगे चबाएंगे खाएंगे तब ना टाइम स्टार्ट होगा अभी मुंह में डल भी नहीं किए हैं ठीक है तो खाना खाने का समय भी कितना है जीरो तो अगर टाइम जीरो है अगर टाइम जीरो है ठीक है इसका मतलब है कि आपने खाना खाना अभी शुरू नहीं किया है और खाना खाना अगर शुरू नहीं किया है तो प्लेट में खाना उतना ही रहेगा जितना आप शुरू में लिए थे अगर 10 मिठाई लिए हो तो 10 ही रहेगा नौ अपने आप नहीं हो जाएगा नौ हो गया तो बेचारा हार्ट फेल कर जाएगा घटे नहीं इस वजह से वो खा नहीं रहा था ठीक है तो अगर खाना खाना अभी शुरू नहीं हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो है तो टी इज इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट का जो सांद्रण है रिएक्टेंट का सांद्रण मतलब थाली में रखा जो खाना है वो उतना ही होगा जितना आपने शुरू में लिया है मतलब इनिशियल लिया है तो टाइम इज इक्वल टू अगर जीरो है मतलब खाना शुरू अभी नहीं किया गया है और खाना शुरू अगर नहीं किया गया है तो थाली में जितना भी खाना आपने शुरू में लिया था वही अभी बचा हुआ रहेगा तो थाली में खाना का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा जितना आपने शुरू में लिया है मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नॉट से सूचित किया जाता है तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज करना है क्या भाई अगर टाइम जीरो है तो थाली में रखा खाना शुरुआत में जो आपने खाना लिया है उसी के बराबर हो जाएगा और शुरुआत में जो खाना आप लिए हो वो उसको नॉट से डिनोट किया जाता है चलिए इक्वेशन नंबर थ्री यही था ये वाला इक्वेशन यही ले लिया हम लोग ठीक है अच्छा दोनों को पुट करो t इज इक्वल टू जीरो पुट करो t जीरो पुट कर दिए जैसे t जीरो पुट कर दिए तो r r नॉट के बराबर हो गया r r नॉट के बराबर देखो ये r नॉट के बराबर हो गया हो गया चलो ln r नॉट हो गया अच्छा t के जगह पे जीरो पुट कर दिएगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो जीरो प्लस सी तो c हो जाएगा और इधर हो जाएगा ln r नॉट हमने c अपने मन से दिया था तो हमने ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके देखो हम लोग सी का वैल्यू भी निकाल दिया सी कितना हो गया एल एन आर नोट सी हो गया हमारा एल एन आर नोट अब इसी सी के वैल्यू को यहां पर पुट करना है ठीक है तो बोल दिए इटिंग इटिंग नहीं पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर थ्री अब इक्वेशन नंबर थ्री में सी का वैल्यू पुट कर दीजिए यही हमारा इक्वेशन नंबर थ्री है यहां पर पुट कर दीजिए देखिए पुट कर दिए हम लोग ठीक है बाकी एल एन आर माइनस के टी वही रहने दिए माइनस के टू को इधर कर दो प्लस के टी एल एन आर को इधर कर दो तो माइनस एल एन आर हो जाएगा अच्छा लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम बायन तो लॉग एम बाय एन हो गया ठीक अच्छा जब भी एल एन को लॉग में आप बदलते हो ये नेचुरल लॉग है ठीक है तो नेचुरल लॉग को जब भी आप कांस्टेंट लॉग में बदलते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो एलेन को लॉग में अगर आप बदल रहे हो तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एलन को लॉग में हमने बदल दिया क्योंकि इससे हमको बहुत ज्यादा जान पहचान है इसको बहुत कम ट्वेल्थ में दिया गया है खास करके मैथमेटिक्स में आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज किए हो तो चलो इसको इसमें बदल दो तो एलेन को लॉग में अगर बदलना है तो टू से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए आप के का फॉर्मूला निकालना है टी को नीचे कर दो ठीक है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी ए लॉग आर नॉट बाई आर और अगर आपको टी ही का फार्मूला निकालना है तो के को नीचे कर दो आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये के का फॉर्मूला आ गया यही के का व्यंजक आपको प्राप्त करने के लिए बोल रहा था इसके अलावा हम ये के, के बारे में सब बता दिए कि के हमारा रेट कांस्टेंट है मतलब वेग स्थिरांक है टी हमारा टाइम है आर नॉट है शुरुआत वाला खाना मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और आर है फाइनल कंसनट्रेशन उसके बाद ये सब एग्जाम्पल दिए थे ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको रिविजन करा दिए थे कि इथिन का इथेन बनना ठीक है इसमें ओ का एक्सचेंज होता था एनओ टू प्लस ओ टू से था ठीक है तो ये तो सीओ हो गए प्लस सीओ तो एक ओ यहां आ जाता था ये बनना फिर ये एडिशन रिएक्शन था एन टू फाइव का टूटना ये चारों का चारों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का भी फॉर्मूला बता दिए और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है वो भी हम आपको रिविजन कर दिए ये कंप्लीट आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तीसरा लॉन्ग हम लोगों का कंप्लीट क्या टन आटन एकदम रिविजन यस सर यस सर यस सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड खटा रिवीजन हो रहा है खट यस 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 ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी ला देंगे जल्दी ही ला देंगे अब आप लोगों के साथ ही जुड़ेंगे ठीक है चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो थैंक यू वो बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है आप लोगों का चलो भाई एकदम सायर बन रहा है तुम लोग चलो अब एग्ज़ाम एक, के समय में तुम सायर बन रहा है हाँ हो ही जाता है ठीक है हाँ ऑस्ट्रॉइल प्रोसेस और हाइबर प्रोसेस का भी दे दिए हैं ठीक है आजा, अब जीरो जीरो में देखो खटखट कर लो एकदम सेम वही चीज है अब हम लोगों को के का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है शून्य कोटि अभिक्रिया के, के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है तो देखो यही पहले हेडिंग मार ली एकदम अच्छे से फिर सबसे पहले हम आपको क्या बोले परिभाषा तो परिभाषा लिख दीजिएगा कि द ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू वह रिएक्शन ठीक है वह अभिक्रिया जिसकी कोटी शून्य होती है उसे शून्य कोटी अभिक्रिया कहते हैं सेम देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही कॉपी है ठीक है जिसकी कोटी सुन्नी होती है वह अभिक्रिया 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 जिसकी शून्य 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 होती उसे कोटी कहते हैं अच्छा कोटी में दर का मान जो होता है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है क्यों अभी जस्ट देख लीजिएगा आप लोग ठीक है और दर का मान जो होता है वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है मतलब रेट का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट वेग स्थिरांक मीनस के बराबर हो जाता है क्यों वहां पर

मतलब किसी पर पावर अगर जीरो हो जाए तो अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन तो के इन टू वन इज इक्वल टू के अब तुम देखो रेट का फॉर्मूला में कहीं पर भी आर है रेट का फॉर्मूला में कहीं पर भी देखो आर है नहीं है तो इसीलिए कहा गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का जो मान होता है वो अभिकारक मतलब रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि उस पर बम गिर गया था बहुत तेज समझा रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपका रिविजन करा दें ठीक है नहीं तो फिर पूरा का पूरा ये एक क्लास में होता था एकदम मस्ती के साथ एकदम याद हो जाता था लेकिन चलिए खैर थोड़ा फास्ट कर रहे हैं और समय भी अभी यही कह रहा है कि थोड़ा फास्ट तो रेट इज इक्वल टू के इन आर इस पर बम गिर गया था तो ये साफ हो गया ठीक है तो रेट का फॉर्मूला में देखो आर है ही नहीं तो निर्भर कपार करेगा तो निर्भर नहीं करता है ठीक है शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है ठीक है तथा दर का, दर का मान दर का मान रेट का मान वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है मतलब के के बराबर हो जाता है ठीक है यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है देख लो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट बिकम्स इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट हो गया परिभाषा और दो बात लिख दिए ठीक है उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लीजिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन लगा दिए जो पावर है वही ऑर्डर है जो ऑर्डर है वही पावर है रेट के के बराबर हो गया रेट के के बराबर हो गया इसको इक्वेशन नंबर मान लिए वन फिर एक तो हम आपको क्या बोले हैं पुराना इक्वेशन लेना है इंस, इंस्टेंटेनियस वाला तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी ले लिए अच्छा एल एच एस बराबर है तो ये दोनों भी आर एच एस फिर बराबर होगा इसी को पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिए डी टी को उधर कर दीजिए माइनस से गुना कर दीजिए तो डी टी उधर कर दिए माइनस से गुना कर दिए थे ये आ गया अब इंटीग्रेट कर दीजिए जैसे इंटीग्रेट किए थे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों साइड हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिया डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर माइनस के बाहर कर लीजिए और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी और जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे अपने मन से क्या दे दोगे सी अब फिर से सी का वैल्यू निकालना है जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर में निकाला था हम बोले आपको जैसा वो है सेम टू सेम वही है अच्छा फर्स्ट ऑर्डर ये सी का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे पता है ना कि अभी अगर टाइम जीरो है, तो हमने खाना तो खाया ही नहीं है तो मेरे प्लेट में उतना ही खाना रहेगा जितना शुरू में लिए हैं तो वेन टी इज़ इक्वल टू जीरो अगर टी जीरो है देन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब आपके थाली का जो खाना है वो बिल्कुल शुरुआत के बराबर होगा मतलब आर नोट के बराबर होगा चलिए यही चीज़ को यहां पर लगा दीजिए कॉन्सेप्ट को ठीक है तो इसको जैसे हम यहां पर लगाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अगर टी जीरो हो गया अगर टी जीरो हो गया तो आर आर नोट के बराबर हो जाएगा ठीक है आर आर नोट के बराबर हो जाएगा तो आर के जगह पे आर नोट रख दो और टी के जगह पे, जगह पे को जीरो रख दो दिक्कत जीरो इंटू समझ तो सी बच गया सी आ गया हमारा आर नॉट तो ये जो सी आपने यहां पर लिखा था यहां पर सी लिखा था इसका वैल्यू कितना आ गया नॉट नॉट अब इसी C आर को आप वापस क्या करिए इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री यही है आर इज इक्वल टू तो माइनस के टी प्लस सी सी के जगह पर कितना लाए हो आर नॉट आर नॉट पुट कर दीजिए इस आर नॉट को उधर फेंक दीजिए अब के टी को उधर लेते आइए तो माइनस के टी को उधर लेके आ जाइएगा तो प्लस के टी और आर नॉट को उधर कर दो माइनस आर नॉट हो जाएगा तो के टी इधर करो के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर के का फॉर्मूला निकालना है तो टी को नीचे कर दो अच्छा टी को अगर निकालना है टी ही का निकालना है तो के को नीचे कर दो देखो ये के का फॉर्मूला आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चौथा लॉन्ग क्लियर चौथा लॉन्ग हम लोग का रिवीजन हो गया के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय सॉरी के के यहाँ के, के. के होगा यहाँ के हुई ठीक है अच्छा यहाँ के हमारा वेग स्थिरांक है रेट कांस्टेंट टी टाइम है आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और आर हो गया हमारा फाइनल कंसंट्रेशन क्लियर अब उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी कुछ एग्जांपल हम आपको रिवीजन करा दिए हैं ये दोनों तो घमम घोर इन टोटे घन घोर इम्पोर्टेंट है घमम घोर नहीं रे घन घोर इंपॉर्टेंट है एच टू प्लस सी एल टू से टू एच सी एल ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन था एच ये तो सेम रिएक्शन हो गया और एन टू प्लस थ्री एच टू का एन एस थ्री बना ये भी आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमको लगता है कि एक आ जाएगा और दोनों बिल्कुल सेम है कैसे करना है पहले परिभाषा लिखना फिर दो पॉइंट बताए फिर रिएक्शन मानना उसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाना उसको इक्वेशन नंबर वन मानना फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पुराना वाला फॉर्मुला से रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी लिखना दोनों में एल एच एस बराबर है इंटीग्रेट तो कर देना इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री में सी होगा टी इज इक्वल टू जीरो पर आर आर नॉट के बराबर हो जाएगा तो वो फॉर्म कॉन्सेप्ट लगा के आपको सी का वैल्यू निकाल लेना है और सी को वापस सी का जो वैल्यू है उसको वापस इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देना है के का फॉर्मूला आ जाएगा नहीं क्या चार रिवीजन चार हो गया यस 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 वेरी गुड वेरी गुड अच्छा मेटलर्जी का भी जो है ना करा देंगे वन शॉर्ट करा देंगे बाबू मेटलर्जी का भी वन शॉर्ट करा देंगे ठीक है यस यस हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ चार लॉन्ग होगी आप चलते हैं आगे मज़ा आ रहा है सर बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड क्या हुआ हैं क्या हो रहा है क्यों रहे? तुम क्या आ रहा है अच्छा पानी पीने का इशारा कर रहा है क्या अच्छा तुम लोग भी भाई पानी पी लो हमको भाई पानी पीने का इशारा आया कि थोड़ा पानी वानी भी पी लीजिए चलो भाई ठीक है अच्छी बात है और कुछ बोलना है कुछ और लाया पकोड़ा पकौड़ा भी लाया क्या लो 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 हो तो सबको देना पड़ेगा भाई चलिए पानी पी लो इस बार जीरो ऑर्डर ही आएगा जीरो भी आ सकता है फर्स्ट भी आ सकता है दोनों रखना ठीक है तो चार लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ठीक है चलिए पांचवा क्वेश्चन रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू रॉल्स लॉ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब बहुत ही आसान देखो टन टन ऐसे भी हो गया रॉल्स ने दो नियम दिया ठीक है रोल्ट का दो नियम है लॉन्ग में आपको दोनों लिखना पड़ेगा और दो नियम कौन कौन दिया भाई एक रॉल्ट लॉ दिया उन्होंने भोलाटाइल सोल्यूट के लिए भोलाटाइल सोल्यूट उसको कहते हैं जिसका वास्व बन सके ठीक है जैसे बेंजीन टॉलविन जितना भी द्रव है ठीक है तो भोलाटाइल सॉल्यूट के लिए उन्होंने एक नियम दिया और नन भोलाटाइल सोल्यूट के लिए उन्होंने दूसरा नियम दिया तो क्या बोलोगे देयर आर टू लॉज ऑफ रॉल्ट ठीक है राउल्ट के जो है वो दो नियम है तो सिंपल सा इंग्लिश है कोई दिक्कत नहीं है राउल्ट के दो नियम है एक भोलाटाइल सॉल्यूट के लिए मतलब वाष्पशील विलय के लिए और एक एक अवाष्पशील विलय के लिए चलिए पहला लिख रहे हैं लॉ फॉर सॉल्यूट ठीक है वाष्पशील वाष्पशील के के लिए विले के लिए राउल्ट नियम तो इसमें आपको क्या करना है देखो ये सॉल्यूट हमने माना ए ये वाष्पशील लेना है उड़ने वाला ठीक तो ये उड़ने वाला हम लोग ले लिए तो इसको जब गर्म करोगे तो इसका भाप बनेगा इसका भाप बनेगा और ये अभी शुद्ध है ठीक है ये अभी शुद्ध है तो अब अगर ये शुद्ध है बाबू तो जब ये उड़ेगा तो इसका भाप भी तो यहां पर बनेगा और जब भाप बनेगा तो वो दबाव लगाएगा नहीं समझ रहे हो ये हमारा क्या है सॉल्यूट है लेकिन सॉल्यूट हमारा भोलाटाइल है उड़ने वाला वास्पशील है ये तो जब इसको गर्म करोगे तो इसका तो भाप ना बनेगा और भाप बनेगा तो दबाव भी लगाएगा ठीक तो जो भी दबाव लगाया उसको बोल दिए पी ए पी का मतलब प्रेशर दबाव आ ए का मतलब ए के द्वारा और नॉट इसलिए लगाए क्योंकि ये यहाँ पर शुद्ध है शुद्ध जब भी होगा नोट लगाइएगा चलिए यहां सॉल्वेंट लिए भी हमारा पानी है सॉल्वेंट ऑलरेडी भोला टाइल होता है ठीक है तो इसको भी जब तुम गर्म करोगे इसका भी भाप बनेगा वो भी दबाव लगाएगा जिसको बोल दिए पीबी क्योंकि ये भी शुद्ध है तो नोट लगा दिए तो इस दोनों बर्तन में दोनों शुद्ध शुद्ध है इसमें विलय है जो घुलता है और यह विलायक है जो घुलाता है है ना लेकिन मजे की बात दोनों भोला टाइल है दोनों वास में परिवर्तित होने वाला है अब चलो विलियन बनाओ इस दोनों को मिलाओगे तो विलियन बन जाएगा विलियन में तो दोनों आ गया अब ए भी और बी भी दोनों भोलाटाइल है गर्म करोगे तो दोनों उड़ेगा देखो इसका भी भाप बना इसका भी भाप बना जब दोनों का भाप बनेगा तो दोनों प्रेशर लगाएगा ठीक है और हम आपको क्या बताए थे कि जब दो दो गैस हो जाए तो अकेले एक गैस जो प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं उसका आंशिक दाब और वो जो लगाएगा उसको कहेंगे उसका आंशिक दाब जैसे हम आप सब प्रेशर लगाने लगे तो हम जो लगाएंगे वो मेरा आंशिक दाब आप जो लगाओगे वो आपका आंशिक दाब आपका दोस्त जो लगाएगा वो उसका आंशिक दाब तो ए जो लगाएगा वो ए का आंशिक दाब होगा बी जो लगाएगा वो बी का आंशिक दाब होगा और आंशिक दाब को हम लोग स्मॉल पी से सूचित करते हैं तो स्मॉल पी ए और स्मॉल पी बी चूंकि यहाँ पर शुद्ध था तो पी नोट ए और पी नोट बी का बात आया चूंकि यहाँ पर दोनों था तो इस वजह से आंशिक दाब का बात आया अब हो गया खत्म बात रॉल्ट ने क्या कहा अकॉर्डिंग टू रॉल्ट अगर ए पदार्थ के लग, लगाइएगा तो उन्होंने कहा था प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है मतलब मूल फ्रैक्शन के प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है तो अगर ए का आंशिक दाब लीजिएगा तो ए के ही मूल अंश के समानुपाती हो जाएगा ठीक है फॉर सबस्टांस ए ए पदार्थ के लिए ए का पार्सल प्रेशर ए के ही मूल अंश के क्या हो जाएगा समानुपाती इसको बराबर में करने के लिए एक कॉन्स्टेंट दिया जाता है तो राउल्ड साहब ने यहाँ जो कॉन्स्टेंट लिया जिस पदार्थ का तुम बात कर रहे हो उसी पदार्थ का शुद्ध अवस्था में जो वास्फदाब है उसी को कांस्टेंट बनाया गया क्योंकि ये तो फिक्स है ना ये शुद्ध वाले का वास्दाब कभी नहीं बदलेगा जब तुम इसमें मिला दोगे ना तब ये बदल जाएगा तो अभी ये कांस्टेंट ही है तो सॉल्यूट का जो वास्फदाब है शुद्ध अवस्था में जो सॉल्यूट का वास्दाब है जो पी नोट ए है ये स्थिर है ये ये फिक्स है देखो शुद्ध पानी का जो क्वनांग होता है 100 डिग्री सेल्सियस वो तो फिक्स है ना भाई जो कुछ मिलाइएगा तब बदलेगा ऐसा थोड़े है, हम लोगों के पिताजी के समय में 80 था अभी महंगाई में, में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है और हम लोग आ, का जो बेटा का समय होगा उस समय डेढ़ सौ हो जाएगा ऐसा तो नहीं है प्योर अगर है तो उसका फिक्स होता है तो प्योर अगर है तो उसका वेपर प्रेशर फिक्स होगा कॉन्स्टेंट तो इसी को उन्होंने क्या किया यहाँ पर कॉन्स्टेंट के रूप में यूज किया तो फॉर्मूला आ गया पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इन एक्स ए प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाप उसी पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है रूल देखो क्या है जब किसी विलियन में वाष्पशील विलय उपस्थित हो वाष्पशील विलय उड़ने वाला विलय तब राउल्ट नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है जिसका जिसका तुम आंशिक दाब लोगे उसी के मूल अंश के समानुपाती होगा गधा का अगर तुम आंशिक दाब लोगे तो गधा के ही मूल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा ये आ गया सब कुछ यहाँ पर लिख दिए कि पी ए जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है मतलब ए का आंशिक दाब पीनोट ए जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ इन प्योर स्टेट शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक दाब और एक्स ए हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ए का मोल अंश ठीक है मोल अंश इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है अच्छा कोई बात नहीं इतना सा हिंदी तो समझ में आ जाएगा ठीक है तो पी पी ए इज इक्वल टू आ गया पी नोट ए इन टू एक्स ए अच्छा एक पदार्थ और है ना बी तो बी के लिए करो फॉर सब्सटांस बी यहाँ पर बी हो बी छुड़ गया है फॉर सब्सटांस बी तो बी का जब पार्शियल प्रेशर लीजिएगा तो बी के ही मोल अंश के समानुपाती होगा जिसका पार्सल प्रेशर उसी का मूल अंश समानुपाती को बराबर में लाने के लिए एक कांस्टेंट जिसका बात कर रहे हो उसी का शुद्ध अवस्था में ये वाला कांस्टेंट बनेगा यही कांस्टेंट बनेगा ठीक है तो वही कांस्टेंट यहां लगा दिए फिर वहां पर वही चीज़ लिख दिए कि पी जो है वो पार्सल प्रेशर है आंशिक दाब ये हमारा कांस्टेंट है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन शुद्ध अवस्था प्योर स्टेट और एक्स बी जो है वो बी का मूल अंश है तो पी बी निकल गया मतलब बी का वास् दाब पी ए निकल गया मतलब ए का आंशिक दाब ए का टुकड़ा निकल गया बी का भी टुकड़ा निकल गया दोनों का निकल गया अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है देखो यहां पर ए भी प्रेशर लगा रहा था बी भी प्रेशर लगा रहा था ए हम जितना लगा रहे हैं वो मेरा आंशिक दाब तू जितना लगा रहा है वो तेरा आंशिक दाब कुल निकालना है तो सब शब्द आपको तो जोड़ना पड़ेगा तो अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है टोटल प्रेशर तो आपको ए का टुकड़ा और बी का टुकड़ा जोड़ना पड़ेगा तो पी ए आया था यहां देख लो पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी बी यहां पर आया था पी नोट भी इंटू एक्स भी दोनों को पुट कर दो हो गया रोल्स लॉ रोल्स लॉ रोल्स लॉ इसमें मेनली याद रखने लायक बात क्या था प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मूल अंश के क्या होता है समानुपाती होता है ठीक है अच्छा अब रोल्स लॉ रोल्स लॉ एक है आपका अवाष्पशील विलय के लिए भी है अवाष्पशील विलय के लिए ठीक है तो अब अवाष्पशील विलय के लिए देखो क्या करना है हूबहू वही चीज खट से हो जाएगा देखो अब इसमें सॉल्यूट जो है ना अवाष्पशील है नॉन वोलाटाइल नहीं उड़ेगा और जब नहीं उड़ेगा तो इसका भेपरे नहीं बनेगा ये ईंट है पत्थर है चीनी है ये उड़ेगा ही नहीं तो भेपर कपार बनेगा तो ये उड़े उड़े उड़ेगा नहीं अब ख़त्म ये अवास्तल है ठीक हाँ अब सॉल्वेंट तो विलायक हुआ ना ये विलायक मतलब जिसमें आप घुला रहे हो जैसे कि पानी तो पानी तो उड़ेगा ही चूंकि यहाँ शुद्ध है तो जब उड़ेगा तो दबाव भी लगाएगा दबाव लगाएगा तो उसके प्रेशर को हम लोग पी भी बोलेंगे ठीक है जब इसको गर्म करोगे तो ये उड़ेगा वाप बनेगा वास्प बनेगा तो वो दबाव भी तो लगाएगा धक्का भी तो मारेगा वही वाप से तो कुकर का सीटी भी खुलता है ठीक है तो वो तो दबाव ऐसा दबाव लगाता है कि कभी कोई फाड़ भी देता है तो वो आवास जो है वो दबाव लगाएगा ठीक है अच्छा उसके दबाव को प्रेशर को पी भी बोलेंगे चूंकि यहाँ शुद्ध अवस्था में है तो पी नॉट ठीक अब यहाँ पर आओ अब इस दोनों को तुम मिला दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया ये सॉल्यूट है ये सॉल्यूट है ठीक है है और ये आपका क्या क्या भाई विलायक दोनों को अगर मिला दिए तो तो बन गया विलियन। तो विलियन में ए और बी दोनों आ गया ए और बी दोनों आ गया लेकिन ए यहां पर कैसा है नन भोलाटाइल मतलब अवास्तशील अब बी हमारा भोलाटाइल है तो अब तुम ये बताओ कि यहां पर ए और बी दोनों उड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ बी उड़ेगा आप लोग हमको लिख के बताओ ओनली बी ओनली बी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ 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 सही है सही है सही है बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है हाँ क्योंकि सिर्फ बी यहाँ पर भोला टाइल है तो सिर्फ बी उड़ेगा अच्छा यहाँ पर सिर्फ बी अगर उड़ेगा सिर्फ बी अगर उड़ेगा सिर्फ बी अगर उड़ेगा सिर्फ बी उड़ेगा तो प्रेशर तो सिर्फ बी ही लगाएगा सिर्फ बी लगाएगा अच्छा सिर्फ बी अगर लगाएगा ए अगर कुछ भी नहीं लगाएगा तो जो बी लगाएगा वही ना टोटल प्रेशर हो जाएगा क्यों भाई क्योंकि इस बार ए उड़ ही नहीं रहा है तो जो बी उड़ेगा वही यहाँ पर पूरा का पूरा रहेगा तो जो बी प्रेशर लगाएगा ना वही प्रेशर हो जाएगा आपका टोटल वेपर प्रेशर क्यों पिछली बार हुआ था कि ए और बी दोनों लगाया था यहां देखो ए और बी दोनों लगाया था ए और बी दोनों लगाया था तो जब ए और बी दोनों लगाया था तो दोनों का प्रेशर जोड़े थे तब टोटल निकला था लेकिन इस बार तो सिर्फ और सिर्फ बी बी ही उड़ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है ए हमारा क्या है भाई ए हमारा क्या है अवास्पशशील है ये तो उड़ेगा ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई बी ही उड़ेगा जब बी ही उड़ेगा तो बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पर रॉल साहब ने कहा कि जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा इस केस के लिए उन्होंने कहा कब जब हमारा अवास्तशशील विलय होगा तो उन्होंने कहा कि जो टोटल भेपर प्रेशर होगा वो बी के मूल अंश के समानुपाती होगा मतलब सॉल्वेंट के क्यों क्योंकि यहां पर जो भेपर है वो तो बी का है ना तो पहला नियम में उन्होंने क्या कहा था प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होगा तो यहां तुम लिख रहे हो पीटी जरूर लेकिन एक्चुअली में वो प्रेशर है किसका मेरा आपका नहीं बी का तो जब बी का प्रेशर है तो वो तो बी के ही न मोल अंश के समानुपाती होगा तो पीटी या फिर पीबी जो है ठीक है पीटी या पीबी जो है अकॉर्डिंग टू रोल्ट रोल के अनुसार ठीक है टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के मतलब बी के क्योंकि पीटी तो आप फालतू का लिखो एक्चुअली वो बी का प्रेशर है तो बी का प्रेशर है तो बी का ही मोल अंश होगा क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का पार्सल प्रेशर उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है तो बी का प्रेशर तो बी का ही मोल अंश ठीक समान को बराबर में करने के लिए फिर से कांस्टेंट लेंगे क्योंकि यहां पर बी का बात हो रहा है तो बी का ही शुद्ध अवस्था में कांस्टेंट ले लेंगे तो पीटी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इन एक्स बी फिर यहाँ पर सब कुछ लिख दिए पी टी हमारा टोटल वेपर प्रेशर पी नोट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट और एक्स बी हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये आपका पूरा का पूरा हो गया मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब बी का मोलेंस ये आपका कंप्लीट हो गया ये देखो रॉल्स लॉ जो वो हमको लिखना पड़ा वो यहाँ पर है इसको उधर करना पड़ेगा अच्छा कोई बात नहीं चलो तो ये आपका पांच लॉन्ग देखो रिवीजन कर दिए पांच लॉन्ग रिवीजन थके तो नहीं हो कितना टाइम हुआ और बढ़े आगे ना यस सर यस सर यस सर चलो वेरी गुड हाँ एस टू एस ओ फोर वाला भी कर देते हैं ठीक है तब पॉलीमर का रिवीजन करेंगे तो हम वहाँ पर बता देंगे और ए एक और एस टू एस ओ फोर का कर लो तो लगभग लगभग फिर उधर है क्योंकि हम मेटलर्जी का वन शॉट कराएंगे तो वहाँ पर हमको एक्सट्रैक्शन बताना है वो सारा चीज़ हो जाएगा हाँ 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 कितना टाइम हुआ है अभी देखो तो टाइम देखें तो अच्छा डेढ़ घंटा के करीब है तो अभी है काफ़ी टाइम है ये वाला स्लाइड ऐसे लिख ना ये वाला नहीं लिखना है ये वाला नहीं लिखना है ये वाला हम अरेंज करके दे देंगे ये जो ये वाला देखो ना हम लोग का छूट गया था ना ये जो हम बताए थे एक्स्ट्रा देखो यही वाला है ना वो मतलब वहाँ पर चला गया था स्लाइड तो इसीलिए हमको लगा शायद हो सकता है नहीं ये आ पाया तो इसलिए हम लिख दिए यही वाला स्लाइड उधर मिला अभी तो उसको हम आगे अरेंज कर देंगे देखो वही वह है ना इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ये तो उधर कर देंगे उसमें हो जाएगा पी में डाल देंगे हम अब ये मेन क्वेश्चन ये है हाँ पी जितना जल्दी हो सकेगा बाबू उतना जल्दी हम दे देंगे ठीक है आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर और दूसरी बात पता है बाबू अभी हम बहुत तेज़ समझा रहे हैं ठीक है जब क्लासरूम में हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत मस्ती के साथ पढ़ते हैं उसका जवाब ही कुछ और होता है और कल हो सकता है कि जो है कुछ छोटा मोटा जो है जो जिनको थोड़ा सा फ़ी में प्रॉब्लम है हो सकता है कि जो न्यू ट्वेल्थ है उसमें थोड़ा सा फ़ी हम कम कर दें ताकि ट्वेंटी जनवरी के बहाने जो है वो बेचारा लोग जो है वो लोग भी एडमिशन ले लेंगे उनको हम बोले हुए भी हैं हो सकता है थोड़ा सा हम आप लोगों को एक गिफ्ट टाइप का कुछ देंगे ठीक है को न्यू के लिए 23 से 24 के लिए जो जा रहा है ऑनलाइन बैच जो परचेस कर रहा है मे बी कल थोड़ा सा फी कम कर देंगे ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिले अब आओ अगला छठा क्वेश्चन जो कि इस बार के लिए है इंपॉर्टेंट बोलता है क्या कि डिस्क्राइब ठीक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस टू फोर बोलता है एस टू फोर के उत्पादन के लिए संपर्क प्रक्रम का वर्णन करें ठीक है डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस टू को बनाने के लिए बोलता है वो जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है ना उसका बोलता है कि पूरा डिटेल आप बताइए ठीक है तो H2SO4 को अत्यधिक मात्रा में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है H2SO4 को अगर आपको बनाना है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में ठीक है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 निम्नलिखित तीन स्टेप में पूरा होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 का जो निर्माण होता है वो निम्नलिखित तीन स्टेप में होता है वो कौन कौन तीन स्टेप हम बताते हैं आपको इन लार्ज अमाउंट एस टू एसओ फोर इज प्रिपेयर बाय कॉन्टेट प्रोसेस इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एस टू एसओ फोर टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप ठीक एस टू एसओ फो को बहुत ज्यादा मात्रा में किस प्रोसेस से बनाया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ठीक और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो आपका एस्ट्रोसफर बनेगा वो कितने स्टेप में बनेगा तीन स्टेप में अब एक बात सुनो सब्जी बनाते हो तो आपको क्या लगता है एक ही बार में सब्जी बन जाता है बहुत स्टेप करना पड़ता है ना जी पहले छीले फिर काटे फिर ये वो दिस तब जाके सब्जी बनता है तो उसी तरह से एस टू एसओ फोर को बनाने के लिए आपको कितना स्टेप लगेगा तीन सबसे पहले स्टेप में क्या करना है एसओ टू को ओ टू के साथ अभिक्रिया करना है उत्प्रेरक भी टू ओ फाइव की उपस्थिति में तो ये बनेगा एसओ थ्री सबसे पहले एसओ टू को ओ टू से अभिक्रिया करना है उत्प्रेरक भी टू ओ फाइव की उपस्थिति में तब क्या बनेगा एसओ थ्री बनेगा ठीक है और इसमें लगभग लगभग एक सौ छियानबे दशमलव छ किलोजूल पल पर मोल ऊर्जा मुक्त हो जाती है निकल जाती है तो अगर किसी रिएक्शन में ऊर्जा निकल जाए निकलना मतलब एग्जिट मतलब एक्जो इसमें उष्मा क्या हो जा रहा है भाई निकल जा रहा है तो अगर किसी में उषमा निकल जाए ना तब उसको कहते हैं एक्जो एक्जो थर्मिक प्रोसेस उषमा छेपी अ जहां पर भी उष्मा छेपी हो तो समझ लीजिए कि वो हीट को अगर निकाल रहा है मतलब वो हीट से नफरत कर रहा है क्यों भाई क्योंकि इस रिएक्शन में देखो उष्मा निकल गया जिस चीज को तुम निकाल के फेंक रहे हो इसका मतलब आपको उससे परेशानी है आप उसको नहीं चाह रहे हो तो अगर ये हीट निकाल रहा है इसका मतलब इस इस को को हीट से क्या, इस को उस्मा से क्या प्रक्रिया नफरत है तब ली चैटलर प्रिंसिपल ने कहा सॉरी ली चैटलर ने कहा कि इसको जो है ना आप कम ही टेम्परेचर पर बना सकते हो किसको इसको क्यों क्योंकि ये हीट फेंक रहा है इसको हीट नहीं चाहिए इसको कम ताप पर ही बना लोगे लेकिन कम ताप पर इसका बनना जो है ना वो बहुत स्लो हो गया बहुत स्लो टुक टुपुक टुपुक बन रहा है उतना कौन यहां मतलब जो है वेट करेगा ठीक है टाइम इज मनी टाइम जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको इसमें इसका एस टू एस ओ फोर में SO3 थ्री के बनने की दर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं ठीक है पहला स्टेप में एसओ टू को ओ टू से रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा इतना किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकला जो ये बता रहा है कि ये उषमा छेपी है मतलब इसमें उष्मा निकल रहा है तो इसको उष्मा नहीं चाहिए ठीक है उषमा नहीं दीजिए कम ही टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगा लेकिन कम टेम्परेचर पर इसका जो दर होगा इसका जो रेट होगा वो बहुत स्लो होगा और स्लो अगर रेट होगा तो उतना कौन टाइम देगा इस वजह से इसमें हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं और टेम्परेचर दे इसके बनने की दर को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं ठीक है तो क्या बोला सबसे पहले जब एसओ टू को ओ टू के साथ उच्च ताप लगभग लगभग 720 से 773 सौ और दो ए टी दाप पर कैटलिस्ट भी टू ओ फाइव की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब हमें एसओ थ्री प्राप्त होता है यह रिएक्शन रिवर्सेबल तथा एक्जोथर्मिक है रिवर्सेबल मतलब इधर से उधर भी जाने वाला और उधर से इधर भी आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एसओ इज हीटेड

अर्थात ली चैकलर के अनुसार एसोथरी को कम ताप पर ही बनाया जा सकता है एसोथरी को कम ताप पर ही बनाया जा सकता है लेकिन निम्न ताप पर एसोथरी के बनने की दर अत्यधिक निम्न हो जाती है टुपुर 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 बहुत धीरे धीरे गिरता है इसीलिए ठीक है एसोथ्री के बनने की दर को बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ताप को बढ़ाकर सात से सात सौ तिहत्तर कर दिया जाता है एसोथरी बन जाता है कम टेम्परेचर पर लेकिन हमको फास्ट चाहिए था इस वजह से टेम्परेचर को बढ़ाकर सात से सात सौ तिहत्तर कर दिया जाता है दिस स्टेप इज द की स्टेप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस From this step, we observe that, observe some fact that this reaction is exothermic. सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर एसओ थ्री कैन बी ऑप्टेन एट लो टेम्परेचर एसओ थ्री को लो टेम्परेचर ही बना सकते हैं बट एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसओ थ्री बिकम्स वेरी लो सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंक्रीजेज अप टू सेवन ट्वेंटी टू सेवन सेवन थ्री कैलवीन ठीक तो ये आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस का मेन स्टेप था एसओ टू का ओ टू के साथ रिएक्शन किए तो एसओ थ्री का बनना जो था ये मेन स्टेप था ये एक्सोथर्मिक था हीट नहीं चाहिए था कम टेम्परेचर पर ही बन जाता लेकिन कम टेम्परेचर पर इसके बनने का दर क्या हो गया स्लो इसी वजह से हम लोगों को मजबूरी में ताप को बढ़ाना पड़ा और बढ़ा के कितना कर दिए ठीक अब दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप नाम का है दूसरा स्टेप में क्या करना है SO3 को H2SO4 से रिएक्शन करना है यहां पर H2SO4 थोड़ा सा ले लीजिएगा किसी दूसरे प्रक्रिया से H2SO4 जो आप बनाए हैं उसको ले लीजिएगा और ये दोनों को जैसे रिएक्शन कराइएगा तो ओलियम बन जाएगा H2SO टू तो क्या बोल रहे आफ्टर दैट वेन एस इज रिएक्टेड विथ एस टू एस फोर एस ओ थ्री हमारा बन चुका था एसओ थ्री बन चुका था रिएक्टेड विथ एस टू एस फोर दैन वी गेट ओलियम ठीक है इसके बाद जब एस थ्री को एसओ थ्री को एच टू एस फोर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें ओलियम प्राप्त होता है सिंपली ये एडिशन रिएक्शन हुआ है देखो एच टू हो गया एस और यहां एस तो एस दो हो गया तीन और ओ, ओ चार चार ओ और तीन ओ सात हो गया सिंपली एडिशन रिएक्शन हुआ ठीक अब इस ओलियम को पानी में डाल दो तो ये दो पीस में टूट जाएगा ओलियम को पानी में डाल दो दो पीस में टूट जाएगा तो देखो एच टू एस फोर और एस टू तो एच टू और एच टू कितना हो गया चार चार को दो भाग में तोड़ो तो दो हो जाएगा यहाँ दो सल्फर है उसको द, दो भाग में तोड़ो एक सल्फर हो जाएगा सात ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आठ ऑक्सीजन हो गया दो भाग में तोड़ो चार तो ये एच टू फोर का तुमको दो पीस मिल जाएगा कब जब आप ओलियम को किससे रिएक्शन कराइएगा एच टू ओ से रिएक्शन कराइएगा ठीक है तो जब ओलियम को अंततः जब ओलियम का जल अपघटन किया जाता है अवघटन नहीं होगा अपघटन होगा ठीक है तब हमें एस टू के दो अनु प्राप्त होते हैं जब ओलियम का पानी में डाल दिया जाता है जल अपघटन कराते हैं तब हम लोगों को एच टू का दो प्राप्त हो जाता है ठीक है फाइनली वैन ओलियम इज हाइड्रोलाइज देन वी गेट टू मॉलिकुल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर नंडा ने एस टू एसो फोर का बनना था अब इसका देखो फिगर ये तो बनाना मजेदार है आ देखना मतलब ये जो है क्या कहते हो डरना और ना मत बहुत आसान फिगर है ये देखो सबसे पहले एक बर्तन लीजिए इससे इसमें हवा डालिए हवा डालिएगा तो हवा में मुख्यतः हमको क्या चाहिए ओटू और यहां पर रैख बना के इसमें सल्फर रख दिया गया है ठीक है रैख बना के सल्फर रख दिया गया है ठीक तो अब देखो यहां से ओटू गया और यहां पर सल्फर है तो सल्फर और ओटू मिलकर क्या बना देगा एस ओ टू बना देगा अब कुछ कुछ ओटू भी चलेगा यहां से क्या क्या बोले हम यहाँ क्या है सल्फर है देखो लिखा हुआ यहां पर यह हमारा सल्फर है तो सल्फर और हवा में उपस्थित O2 इधर से हवा मारे थे इधर हवा मारे थे तो हवा में उपस्थित जो O2 है और ये जो सल्फर है तो ये सल्फर और O2 दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया SO2 और सब हवा तो खत्म नहीं हो गया जी क्योंकि बहुत सारा आप हवा मार रहे हैं तो कुछ O2 जो है वो रिएक्शन क्या होगा कुछ O2 बचा हुआ भी होगा तो SO2 इधर से चला और साथ साथ कौन चला O2 भी चला ठीक है तो एसो टू यहां चला यहां ये है डस्ट प्रेसिपिटेटर ठीक है धूल कणों को साफ करने वाला तो यहां पर से जो भी धूल ऊलकन था ये डस्ट प्रिसिपिटेटर जो है उस धूल धूलकन को क्या कर दिया साफ तो अब यहां से फ्रेश एस ओ टू ओ टू चला ठीक हम लोगों को लगा कि नहीं भाई हो सकता है अभी भी गंदा हो मारे एकदम पानी का स्प्रे फिश, फिश 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 पानी का स्प्रे मारे तो फिर जो पानी से बहु के गंदगी जो था वो इधर से निकल गया देखो वेस्ट वाटर गंदा पानी इधर से निकल गया ठीक उसके बाद फिर लगा कि क्या पता और भी उसमें गंदगी हो तो उसमें ना एस टू एस ओ फोर का स्प्रे मारे H2SO4 का तो H2SO4 का स्प्रे, तो तो मारे, जो पानी से नहीं धुल पाया था जो यहां नहीं हो पाया था वो एच टू धुलावला फोर धुला के बाहर निकाल दिया ठीक है तो यहां से वेस्ट एसिड निकल रहा है गंदा क्योंकि उधर से मार रहे हैं, इधर से गंदगी को धोधा के निकल रहा है तो अब यहां से जो एसओ टू और टू निकला है एकदम साफ सुथरा लेकिन अभी भी जो है ना आर्सेनिक जो है ना आर्सेनिक ना तो यहां साफ हो पाता है यहां ना साफ होता है यहां ना तो यहां साफ होता है आर्सेनिक अशुद्धि के रूप में अभी भी रहता है तो इस वजह से यहाँ पर आर्सेनिक प्यूरीफायर हम लगा दिए हैं। तो ये आर्सेनिक प्यूरीफायर सॉरी प्यूरीफायर क्या करेगा कि इसमें अगर आर्सेनिक भी अगर हवा में है तो उसको भी साफ कर लेगा और अब यहां से एकदम एसओ टू ओटू जो है एकदम जो है शुद्ध एसो टू ओ टू यहां चलेगा ठीक है अब यहां पर एक हीटर लगा दिए हैं ठीक है इतना नहाया है ठंडा का दिन है तो थोड़ा सा गरमाना भी तो जरूरी है इसका टेम्परेचर 720 से 773 केल्विन रख दीजिएगा और यहां पर भी टू ओ फाइव उत्प्रेरक रख दिए ठीक है तो अभी अभी एसओ टू और ओटू में रिएक्शन नहीं हुआ था जब भी टू ओ फाइव आ जाएगा ना तब इस भी टू ओ फाइव की उपस्थिति में यह वाला रिएक्शन होगा देखो भी टू ओ फाइव की उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन होगा ये दोनों ठीक है अभी तक खाली एसओ टू ओ टू ही चल रहा था अब जाके एसओ थ्री बनेगा पहला स्टेप तुम्हारा यहां होगा आके हद देखो यहां हुआ है पहला स्टेप जब यहां से जब ये गया एसो टू ऑ टू तब ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा अब जो निकलेगा वो एसो थ्री बन के निकलेगा यहां से जो है ना वो एसओ थ्री बन के निकला समझे अब अब इस ये एसओ थ्री यहां घुसा अब उधर से एच टू एस फोर मार दो कौन सा ये सेकंड स्टेप ये देखो एसओ थ्री में क्या मारे थे एच टू एस फोर तो ओलियम बना था ठीक है तो जैसे आप SO3 देखो यहां से घुसा तो जैसे आप वहां से H2SO4 मारिएगा तो दोनों रिएक्शन करके ओलियम निकालेगा अब जब आपको किसी को चाहिए H2SO4 तो देखो ओलियम ओलियम को क्या करिएगा पानी में डाल दीजिएगा H2SO4 बन जाएगा तो यहां देखिए ओलियम आपको मिल गया जिसको चाहिए H2SO4 चाहिए रुको पानी ले लेना ले ग्लास में उसमें ओलियम ऐसे टुपुर टुपुर डाल देना H2SO4 बन गया लो भाई H2SO4 ले लो तो ये H2SO4 बनाने का तरीका है देखो सबसे पहले ये बर्तन में क्या है हवा डालिएगा हवा में मेनली क्या चाहिए आपको ओ इसमें रैक रैक बना के क्या रखे हो सल्फर तो सल्फर और ओ रिएक्शन करके क्या बना देगा SO2 लेकिन कुछ कुछ ऑक्सीजन अभी बचा हुआ भी रहेगा तो यहाँ से कौन चला SO2 और ओ है ना यहाँ से कौन चला एसओ और ओ इससे आपने क्या किया डस्ट साफ किया इससे पानी से उसको धोया जो गंदगी बचा फिर एसिड से भी आपने धोया ठीक है उसके बाद भी आर्सनिक बच गया तो आर्सनिक आपने यहाँ साफ किया फिर यहाँ जितना उसको हीट देना था उसने हीट दे दिया अभी भी यहाँ से एस ओ टू ओ टू ही चल रहा था एस टू और ओ टू ही चल रहा था जैसे उसको कैटलिस्ट मिला तब बन गया एस ओ थ्री एस थ्री यहाँ इंटर किया आपने एस टू एस फोर डाल दिया तो एस टू एस फोर और एस थ्री दोनों मिलकर क्या बना दिया ओलियम ठीक अभी भी एस्ट्रोसोफर नहीं बना है लेकिन अब बन ही गया समझ लो क्योंकि जहां पर भी तुमको एस्ट्रोसोफर का जरूरत पड़ेगा इसको तुम पानी में डाल देना एस्ट्रोसोफर में टूट जाएगा ओलियम दे देना क्या समझ में आया छठा लॉन्ग एकदम तैयार हां थ्री सिक्सटी ऑफ स्टडी फिगर नहीं बनाना पड़ेगा अब यही फिगर दोगे ना तो बेचारा डर जाएगा कि भाई गलती से भी इसका नंबर नहीं कटना चाहिए एक ठो ठीक है झारखंड में बहुत लोग केमिस्ट्री में सेवेंटी में सेवेंटी लाए हुए हैं बिहार में सिक्सटी नाइन लिए हुए हैं सेवेंटी में तो एक्चुअली केमिस्ट्री को एक लैंग्वेज पेपर माना जाता है इसमें थोड़ा नंबर उम्र काट लेता है ठीक है लेकिन फिर भी ऐसा हम लोग कर लिए हैं कि वो एकदम अप्रॉक्स एक चला जाता है तो परफेक्ट आंसर देना पड़ेगा जितना हम लिख रहे हैं बाबू एकदम वो परफेक्ट लिखना है ठीक है वो एकदम बढ़िया से बनाया हुआ है आंसर कि अगर लिख दोगे ना तो बेचारा अगर जांचने वाले अगर घर से झगड़ा भी करके आए हैं ना तो वो सोच में पड़ जाएंगे कि नंबर काटें तो काटे कैसे ठीक है छोड़ दो इसको नंबर नहीं काटो पूरा नंबर दो चलो क्रिस्टल क्लियर क्या बात है वेरी गुड अच्छा अभिषेक 2020 के बैच का क्या कर रहे हो बाबू तुम अभी चलो बहुत अच्छा लगा शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छा देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी कर देंगे ठीक है बहुत सारा तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हुआ ही है और भी कुछ एक्स्ट्रा सब दे देंगे फिलहाल कल जो है ना हाँ 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 एकदम फिगर बनाना है ठीक है दो बार प्रैक्टिस करना फिगर का हो जाएगा और जो है फिगर बनाना है अरे मजा आ गया सर बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड हम्म ये क्या कहते हो कल जो है ना ये करा देंगे क्या कहते हो वाट करेंगे व्हाट हैपन्स वन क्या होता है जब एग्जाम का समय नजदीक आता है देख ये सातवां में ना आयरन का एक्सट्रैक्शन हम अभी एक दो दिन में जो है मेटलर्जी का पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं वन शॉट तो उसमें हम ये करा देंगे ठीक है तो वो पूरा का पूरा होगा ही तो ये वाला आयरन का निष्कर्षन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आ सकता है ये हम आपको जब ये कराएंगे ना क्या कहते हो मेटलर्जी का जो वन शॉट देने वाले हैं उसमें हम पूरा का पूरा करा देंगे ठीक है तो चलो ये वाला समय अभी बच जाएगा क्योंकि वो पूरा एक सीरीज पढ़ते हुए आओगे तो एकदम आसान हो जाएगा पूरा शुरू से क्योंकि उसमें ना शॉर्ट उट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो ये लोहा का निष्कर्सन वाते भट्टी ठीक है अब बहुत लोग तो कोई याद ही होगा लेकिन जो जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है सब हम लोग कर लेंगे आइए अब उसी तरह से उसी तरह से ये हैबर प्रोसेस है हैबर प्रोसेस 2021 में बाबू पूछ लिया है 2021 में पूछ लिया नहीं 2022 में पूछ लिया तो 23 में कम चांस है लेकिन पता है ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि कभी भी पूछ सकता है तो इसको इग्नोर मत करना इसको कभी इग्नोर मत करना ठीक है तो अब, अब एकदम देखना एकदम हु बहू ना एस ओ थ्री के जैसा ही है एस टू एस ओ फोर के जैसा है देखना हैबर प्रोसेस हैबर प्रोसेस के लिए हैबर प्रोसेस के द्वारा एनएस थ्री का निर्माण ठीक है देखो वही सेम जैसे जैसे वहां के होना वही चीज यहाँ भी लिखना है देखना तुमको बहुत सिमिलरिटी मिलेगा थ्री को अत्यधिक मात्रा में हेबर प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है ठीक है इस प्रक्रिया में जब एक मोल एन टू को एक मोल एन टू को तीन मोल एस के साथ तीन मोल एस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें दो मोल एनस्थिर प्राप्त होता है दो मोल एनस्थिर प्राप्त होता है ठीक है यह अभिक्रिया रिवर्सिबल तथा एक्जो है क्योंकि देखो इतना हीट निकल रहा है तो एक्जोथर्मिक है मतलब उसमा उस छेपी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ठीक है तो वही चीज यहां पर भी है कि जब एक मोल एन को तीन मोल एस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दो मोल एनस्थुर प्राप्त होता है और यह भी अभिक्रिया क्या है एक्जो है ठीक चलो अब 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 चूंकि एक्सोथर्मिक है तो ली चार्टलर ने कहा कि कम ही टेम्परेचर पर हो जाएगा कम टेम्परेचर पर बनता था ऐसे थुपुक 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 थुपु। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा यह इस अभिक्रिया से हमें कुछ तथ्य पता चलता है कि यह अभिक्रिया रिवर्सेबल तथा फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे बढ़ने वाला दिशा ठीक है फॉरवर्ड डायरेक्शन एक जो थर्मिक है इसीलिए ली चैटलर के अनुसार एनएस को कम ही ताप पर बनाया जा सकता है देखो हु बहू एस टू एसओ फोर के जैसा बनाया जा सकता है लेकिन कम ताप पर एनएस के बनने की दर अत्यधिक निम्न हो जाती है इसीलिए हैबर प्रोसेस में एनएस की दर को बढ़ाने के लिए एकदम धड़धड़ धड़धड़ बने इसलिए ताप को बढ़ाकर सात से सात सौ कर दिया जाता है ठीक है यह, यह, यहां तक हो गया अब अब तीन बात इसमें लिखना है तुम देखो टेम्परेचर वाला बात लिख दिए कि भाई यूं तो ये एक्सोथर्मिक था लेकिन इसमें एनएस थ्री का बनने का दर बहुत स्लो हो गया था इस वजह से एनएस थ्री के बनने की दर को बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा अब एक चीज और देखो एक पीस एन टू लेते हो तीन पीस एस टू लेते हो तीन पीस एस टू समझना बाबू इसको ध्यान से एक पीस एन टू और तीन पीस एस टू लेते हो तब दो पीस बनता है NS3. इसका मतलब है है कि पहले वॉल्यूम क्या था बड़ा और NS3 जब बन रहा है, तो वॉल्यूम क्या है छोटा तो मतलब NS3 तब बनेगा जब आयतन आयतन जो जो है न, जो है ना वो क्या हो जाएगा कम देख लो पहले बड़ा था एक पीस ये तीन पीस ये चार पीस था वॉल्यूम ज्यादा था और अभी कितना है दो ही पीस है मतलब जब इधर से इधर जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है घट रहा है अब वॉल्यूम कब घटेगा जब प्रेशर तुम बढ़ाओगे समझ में आया तो एनएसथ्री तभी बनेगा बाबू जब वॉल्यूम घटेगा अब वॉल्यूम घटेगा तब जब प्रेशर क्या होगा बढ़ाओगे अगर मान लो कि तुम वॉल्यूम नहीं घटने दे रहे हो वॉल्यूम को तुम नहीं घटने दे रहे हो तो एनएस थ्री नहीं बनेगा तो एनएस थ्री के बनने के लिए वॉल्यूम का घटना जरूरी है अब वॉल्यूम तभी घटेगा जब प्रेशर तुम लगाओगे तो यही वाला यही वाला बात यहां पर दिखा दी है कि देखिए जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ता है आयतन घटता जाता है अर्थात एनएसथ्री को बनाने के लिए दाब का उच्च होना आवश्यक है दाब ज्यादा देना आवश्यक है इसीलिए हैबर प्रोसेस में दाब को बढ़ाकर 200 सौ कर दिया जाता है ठीक है यह बात भी लिखिएगा लॉन्ग है ना एक एक बात लिखना है और इस रिएक्शन का बाबू सक्रिय ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहते हैं वो ऊर्जा जो जिसका हमको जरूरत पड़ता है रिएक्शन को करने में तो इसका सक्रिय ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है इसी वजह से सक्रिय ऊर्जा को घटाने के लिए हम लोग कुछ कैटलिस्ट का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हो कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है सक्रिय ऊर्जा थ्रिसल्ड थ्रिसोल्ड एनर्जी को क्या करता है घटा देता है क्योंकि इस अभिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी अत्यधिक उच्च होता है इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने के लिए हैबर प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री तथा के टी ओ को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये तीन बात लिखना है टेम्परेचर वाला बात प्रेशर वाला बात उत्प्रेरक वाला बात ठीक है यू तो कम ही टेम्परेचर पर एनएस थ्री बन गया था लेकिन फिर भी हमको टेम्परेचर इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि एनएस थ्री का बनने का दर क्या हो रहा था बहुत स्लो था एनएस के बनने की दर को फास्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा वॉल्यूम घट रहा था तो वॉल्यूम अगर घट रहा है इसका मतलब है कि हमको दबाव बढ़ा देंगे तो जल्दी वॉल्यूम घट जाएगा जल्दी एनएस बन जाएगा और इसका एक्टिवेशन एनर्जी चूंकि ज्यादा था इस वजह से इस तीनों का इस्तेमाल हमने किया किसके लिए भाई आ, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने के लिए ठीक है हो गया बन गया इंग्लिश में भी देखो खटाखट ये तो पढ़ी दिए थे इन लार्ज अमाउंट एन एस थ्री प्रिपेयर बाय हैबर प्रोसेस इन दिस मैथड वैन वन मोल ऑफ एन टू इज रिएक्टेड विथ थ्री मोल ऑफ एस टू देन वी गेट टू मोल टू मोल ऑफ एन एस थ्री दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सेबल ठीक फ्रॉम दिस रिएक्शन वी ऑब्जर्व दैट सम फैक्ट्स दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर प्रिंटर एनएस थ्री कैन बी ऑबटेंड ठीक है एट लो टेम्परेचर बट एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एस थ्री बिकम्स वेरी लो सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन हैबर प्रोसेस ठीक है या रेट ऑफ फॉर्मेशन इन हैबर प्रोसेस टेम्परेचर इन इंक्रीज अपू सेवन हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड सेवेंटी कैलविन एज रिएक्शन प्रोसीड्स वॉल्यूम डिक्रीजेज सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एस थ्री प्रेशर मस्ट बी हाई मस्ट बी हाई सो है इन हैवर प्रोसेस प्रेशर इनक्रीजेज अप टू टू हंड्रेड ए टी एम ठीक है सिंस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस इज हाई सो टू डिग्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी वी यूज आयरन ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री एंड के टू ओ एज कटेलिस्ट ठीक है ये होगी आपका फिर इसके बाद देखिए फीगर इसमें भी मस्त ऐसा फीगर है यहाँ से आपको एच टू डालना है यहाँ से एन टू डालना है ठीक है देखो बेचारा एन टू एच टू गया यहाँ कम प्रेसर में दो सौ ए टी एम का प्रेसर लगाना पड़ता है ना तो बेचारा यहां से तो मस्ती से गया था यहां से मस्ती से गया था लेकिन कंप्रेसर उसको क्या कर दिया एकदम दबा दिया जैसे बेचारा दब पच गया एकदम हालत खराब तब एन एन टू एस टू दब पच के इधर गया इधर जाएगा इसलिए क्योंकि पंप लगा दिए हैं और ये पंप उधर से प्रेशर मार रहा है तो इधर नहीं जा पाएगा इन टू एस टू इधर आ जाएगा इधर आया आयरन ऑक्साइड के एल टू ओ थ्री ए एल टू ओ थ्री और के टू ओ उत्प्रेरक है जैसे ही प्रेशर भी पूरा एक्टिवेशन एनर्जी भी मिल गया और पूरे सिस्टमे का टेम्परेचर है सात से सात तो सब कुछ मिल गया तो रिएक्शन हो गया यहां पर एन और एच टू एन टू और एच टू यहाँ पर यहां एच टू अलग जा रहा है यहां एच टू अलग जा रहा है यहां एच टू अलग यहां एन टू अलग दोनों मिलके यहां कंप्रेसर उसको दबाया अभी एन टू और एच टू मिलकर एन एस थ्री नहीं बनाया है अभी बस दबाया पचाया फिर इधर आया इधर आया फिर इधर गया इधर गया, इधर गया तो आयरन ऑक्साइड ए और के जब मिला तो ये इस, ये उत्प्रेरक है ये जब मिला ना तब रिएक्शन हुआ रिएक्शन हुआ तो क्या बना दिया एनएस थ्री एन टू और एस टू सब आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया एन थ्री अब यहां से निकला एन एस थ्री एन 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 थ्री बन गया चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है आप लोगों ने देखा था ये रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब एनएस थ्री वापस एन टू और एच टू भी बना सकता है ये एन थ्री वापस एन टू और एस टू भी बना सकता है इसी वजह से हम लोग देखो यहां पर सिस्टम लगाए हुए हैं कि अगर अमोनिया बनने के बाद भी अगर मान लीजिए एनएस थ्री टूट के वापस अगर एन टू एस टू बना दिया यहां एनएस थ्री बन चुका था लेकिन अगर मान लो टूट के ये N2 और H2 बना दिया वापस तो इस ये पंप क्या करेगा उस N2 H2 को खींच लेगा ये हमारा पूरा का पूरा NH3 है मान लीजिए कुछ NH3 N2 और H2 में बदल गया तो उसको खींच लेगा देखो H2 और N2 जो NH3 से वापस N2 H2 बन गया था ये वाला पाइप उसको क्या कर लिया खींच लिया खींच लिया ये पंप उसको खींच लिया और खींच के वापस देखो कहाँ भेज रहा है फिर से सेंट्रल जेल हुआ देखो ये H2 और N2 इधर से घुसा था कंप्रेसर उसको दाबा ये कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन हो गया एनएस बन गया अब मान लो एनएस टूट के वापस अगर N2 H2 बना तो ये पंप उसको खींचा ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा जगह बाकी है तो इस जगह में आके एन टू और टू भरेगा पंप उसको खींच लिया पंप जैसे खींचा तो फिर उसको देखो वापस वहीं भेज दिया तो फिर ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में एच टू एन टू वापस एनएस थ्री में रिएक्शन कर देगा एन सॉरी एच टू और, sorry, sorry, H2 और N2 वापस कर लेगा, फिर एनएस थ्री बना देगा और एनएस थ्री बना के फिर यहां पर चलाएगा सेंट्रल जेल है क्या मजा आया एनएस थ्री का यस यस अच्छा सॉल्यूशन का भी चाहिए यस यस गजब सर हाँ पंद्रह नंबर का सवाल है फीगर <laughs> इसमें भी बनाना पड़ेगा बिना फिगर नहीं चलेगा काम फिगर इसमें भी बनाना पड़ेगा फीगर इसमें भी बनाना पड़ेगा फिगर इसमें भी बनाना पड़ेगा कैमरा हम ऑन कर दें इधर टन टून गेट पर टून टान भी हो रहा था तो देखे कौन है भाई गेट पे आप लोग के जूनियर होंगे एडमिशन के लिए यस 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 ठीक है बहुत बहुत आसान है ये फिगर है ना आराम से बन जाएगा यहाँ से एच टू गया यहाँ से एन टू गया कंप्रेसर उसको दबाया और फिर यहाँ से एच टू एन टू दोनों आया अभी रिएक्शन नहीं हुआ यहाँ पर एन एस थ्री बना टप 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 एन एस थ्री बना एन एस थ्री अगर मान लो कुछ एन एस थ्री जो है वापस अगर एन टू एस टू में बदल गया तो वापस ये ये पंप इसको क्या कर लिया खींच लिया और खींच के फिर वापस डाल दिया फिर एन एस थ्री बन गया ठीक चलिए आगे अच्छा ये एच एन ओ थ्री दोनों बता दिए हम आपको एच एन ओ थ्री और एच टू एस ओ फोर भी बता दिए हैं और एन एस थ्री भी हम आपको बता दिए हैं ठीक है H2osur. इसको ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा ये है आउस्टवर्ल्ड प्रोसेस के द्वारा एच एन ओ थ्री का बनाना आउस्टवाल के, के द्वारा क्या है भाई एच एन ओ थ्री का बनना ठीक है आउस्टवर्ड प्रोसेस के द्वारा एच एन ओ थ्री का बनना ठीक है अब देखो इसमें तीन स्टेप में बनेगा बहुत ही आसान बहुत ही आसान आउस्टवाल प्रोसेस में अगर एच एन ओ थ्री को बनाना चाहते हो तो देखो बहुत आसान एच एन ओ थ्री को अत्यधिक मात्रा में औस्टवाल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है एच टू फोर को बनाया जाता है कांटेक्ट प्रोसेस से एनएस थ्री को बनाया जाता है Hever प्रोसेस से और एच को बनाया जाता है प्रोसेस से ठीक है एच को अत्यधिक मात्रा में ऑस्टवाल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है ऑस्टवाल प्रोसेस में एच थ्री को एनएस थ्री का हवा में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा ऑक्सीकरण कन बनाया जाता है जो निम्नलिखित स्टेप में पूरा होता है मेन चीज यहां पर बोला गया कि ये जो जो प्रोसेस है इसमें हम लोग HNO3 को बनाते बनाते हैं वो से बनाते हैं वो अमोनिया अमोनिया से से कैसे भाई तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना उसी से भिड़ा देते हैं उसी से भिड़ा देते हैं उसी से, हैं। उसी से इसका ऑक्सीकरण करके बनाते हैं ठीक तो क्या बोला जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में एच को आउस्टवाल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है औस्टवाल प्रोसेस में एच एन ओ थ्री जो हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं एनएस थ्री से कैसे भाई एनएस थ्री का ऑक्सीकरण करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ठीक और ये तीन स्टेप में पूरा होता है ठीक है तीन स्टेप में पूरा होता है इन लार्ज अमाउंट एच एन ओ थ्री इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्ट्रोवाल प्रोसेस इन ऑस्ट्रवाल प्रोसेस एच एनओ थ्री इज प्रिपेयर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन एस थ्री बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन विच कम्प्लीट्स इन थ्री स्टेप्स सबसे पहले आपको एनएस थ्री का ऑक्सीकरण करना है तो एनओ NO और एस टूओ बनेगा पीटी कैटलिस्ट उत्प्रेरक है यहाँ पर पाँच सौ कैलविन पर और नौ बार प्रेशर पर आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एन एस थ्री इज ऑक्सीडाइज थ्री का ऑक्सीकरण करते हैं बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन देन वी गेट एनओ एन एस टू तब हमको एनओ NO और एस टू प्राप्त होता है सबसे पहले जब हम लोग एन एस थ्री का वायुमंडली ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें एनओ NO तथा एस प्राप्त होता है ठीक है एनओ तथा एस प्राप्त हो गया ठीक है अब आपको इस एनो को ना फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है एनओ को फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो एनओ बन गया इन सेकेंड स्टेप एनो रिएक्ट विथ ओ टू एंड कन्वर्टेड इन टू एनओ टू दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल दूसरे स्टेप में जब एनो को ओ टू से अभिक्रिया कराते हैं तब एनओ टू के अनु एनो के अनुसॉरी एनओ टू में क्या हो जाते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं या रिएक्शन रिवर्सेबल होता है ठीक है सबसे पहले क्या हुआ बताओ तो सबसे पहले NH3 को रिएक्शन कराए O2 से पहला स्टेप में स्टेप नंबर वन में तो क्या बन गया भाई बोलो तो NO H2O ठीक है NO H2O बन गया अब दूसरे स्टेप में क्या किए बोलो NO को फिर से O2 से रिएक्शन कराए तो क्या बन गया भाई NO2 बन गया है ना NH3 को O2 से रिएक्शन कराए तो NO और H2O बना ठीक है फिर NO को फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो NO2 बन गया और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है सेकंड स्टेप में अब आपको क्या करना है ये जो NO2 बना ना इसी NO2 को पानी में डाल दो जैसे NO2 को पानी में डालोगे ना तो बन जाएगा एच एनओ थ्री लेकिन यह बनेगा अड़सठ प्रतिशत बाबू क्योंकि पानी में जब इसको डालोगे ना तो रिएक्शन स्लो स्लो होगा और जब ये रिएक्शन स्लो होगा ना स्लो होगा तो चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कुछ कुछ एनओ टू ना वापस एनओ NO में बदल जाएगा क्या बोले हम समझे एनओ टू को जब तुम एच टू से रिएक्शन कराओगे तुम तुम ना कुछ खाना लेके बैठा है आ, तुम धीरे धीरे ऐसे खा रहे हो धीरे धीरे तो धीरे धीरे अगर खा रहे हो तो अगल बगल जो दोस्त है वो भी तो लूट लूट सकता है ले लिया तुम पता चला अड़सठ परसेंट खाया बाकी बत्तीस परसेंट तुम्हारा दोस्त खा लिया तो वही हाल है कि जब एनो NO को एच से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन स्लो होता है और स्लो होने की वजह से कुछ कुछ एनओ जो है ना कुछ कुछ एनओ इसके साथ भिड़ता है अड़सठ प्रतिशत एच इसके साथ रिएक्शन कर लेता है लेकिन रिएक्शन होते होते बत्तीस जो एनओ होता है वो वापस एनओ NO और ए टू में बदल जाता है देख तो उधर से इधर चला आता है तो जब ये उधर चला गया तो अब एच थोड़े ना बनाएगा तो एच बनाएगा अड़सठ ही एनओ तो जब इसको इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रतिशत एचएनओ3 बनाता है क्योंकि रिएक्शन सुलू होता है लेकिन अगर इस NO2 को तुम अगर H2SO4 में डाल दोगे हाँ, तो ये वही वाला बात हुआ अगर दोस्त को देखा ठीक है तो सब खाना उकले के हप एक ही बार में ले लिया तुरंत रिएक्शन कर दिया तो थोड़ा-मोड़ा बचेगा तो वही दोस्त को मिलेगा तो H2SO4 बहुत फास्ट रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है 98% इसको 98% के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना देता है HNO3 HNO3 तब कितना बनाएगा 98% ठीक है अब बाकी दो ही परसेंट उसमें बदल पाएगा क्योंकि ये रिएक्शन हम चटाक से हुआ देखा दोस्त दोस्त बोला इतना फास्ट खा लिया रे थोड़ा सा नहीं छोड़ा मेरे लिए तो इसमें रिएक्शन स्लो होगा इसी वजह से कुछ इधर भी चला जाएगा कुछ उधर भी चला जाएगा और इसमें रिएक्शन आपका क्या होगा फास्ट तो आपका नाइनटी जो है वो एच में बदल जाएगा ठीक है फाइनली वेन अंत में जब एनओ टू इज रिएक्टेड विध एच देन वी गेट अड़सठ परसेंट एच एन ओ थ्री ठीक है बिकॉज ड्यू टू रिवर्सबल रिएक्शन द्विगामी अभिक्रिया के कारण सम अमाउंट ऑफ एन टू इज अगेन कन्वर्टेड इन टू एनओ बट वेन एनओ इज रिएक्टेड विथ एच टू एसओ फोर देन वी गेट नाइन्टी एट परसेंट एच एन ओ थ्री ठीक है चलो वही वाला देखो दिखा दिए अड़सठ परसेंट स्लो रिएक्शन की वजह से और अगर एच टू एसो फोर से कराओगे तो नाइन्टी एट परसेंट ठीक है अंततः जब एनओ टू को एच टू ओ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें अड़सठ प्रतिशत एच एन ओ थ्री प्राप्त होता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के कारण एनओ टू की कुछ मात्रा पुनः एनओ NO और एनओ NO और तथा ओ में परिवर्तित हो जाती है लेकिन जब एनओ को एच के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें 98 HNO3 प्राप्त होता है दोनों लिख दिए खत्म इसमें सबसे पहले आपका एनओ टू रिएक्शन किया ना ना सबसे पहले एनएस थ्री रिएक्शन किया ओ टू के साथ क्या बना बोलो एनओ प्लस एच टू ओ ठीक है फिर एनओ फिर से ओ टू के साथ रिएक्शन किया क्या बना दिया बोलो तो अब no फिर एनओ no टू को अगर एनओ no टू को एनो टू एनो टू एनओ टू बन गया है एच टू no से रिएक्शन किए तो कितना बना भाई अड़सठ 60 प्रतिशत से 60 रिएक्शन फास्ट था कि स्लो था बोलो अड़सठ 60 प्रतिशत एच एन थ्री क्यों बना क्योंकि यह रिएक्शन फास्ट था कि स्लो था जल्दी बोलो स्लो 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है आप लोग का बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चलो हाँ पी, हाँ स्लो में था इस वजह से हाँ पीडीएफ इसका दे देंगे पीडीएफ दे देंगे चलिए अब आगे बढ़ें लेकिन आगे जो ना अलग अलग जगह पे हम अलग अलग बताएंगे ठीक है ये आपका जो पॉलीमर का भी वन शॉट देने वाले हैं तो उसी समय हम आपको बता देंगे ठीक है पॉलीमर का पॉलीमर का वन शॉट देने वाले हैं नाइन्थ क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचे टेंथ से लेकर आगे जो है ना ये सारा चीज़ हम आपको देने वाले हैं ठीक है देखो ये सब का ये टोटल का जो मोनोमर है हम ऐसे दे भी दिए हैं यहाँ पर लेकिन जो है ना इसका मजा तब आएगा जब हम आपको पॉलीमर का पूरा का वन शॉट दे देंगे ठीक है एकदम इधर ही दो चार दिन में सब हर दिन आप कुछ ना कुछ क्लास चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है पॉलीथीन का मोनोमर इथीन होता है मोनोमर हम लोग किससे कह, किस कहते किसको कहते हैं अरे भाई पूरा अंगूर अगर पॉलीमर हुआ ना तो उसका एक अंगूर जो होता है ना मोनोमर होता है पॉलीमर हम लोग कहते हैं बड़े वाले पीस को अब मोनोमर हम लोग किसको कहते हैं वही सबसे छोटा पीस जिससे मिल मिल के पूरा पॉलीमर बना है तो ये अगर पॉलीमर अगर पॉलीथीन है तो उसका मोनोमर इथीन होता है अच्छा टेफलॉन ठीक है हम लोग ठीक है इसका, इसका, इसका मोनोमर होता था टेट्राफ्लोरोन ठीक है टेफ्लॉन अच्छा पान पान का मोनोमर होता था आन

याद आ रहा है हार जो था और पानी ठीक है उसका डेक्रोन डेक्रॉन डेक्रॉन और टेरालीन ठीक है डेक्रॉन दे, टिन इसी का नाम था अग्लेप्टल दोनों में इथिलीन ग्लाइकोल दोनों में था इथिलीन ग्लाइकोल इसमें भी इथिलीन ग्लाइकोल इसमें भी लेकिन इसमें था आपका टेरेपथलिक एसिड अपोजिट कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें लगातार कार्बन पर एसिड सबको हम लोग क्लासरूम में जो है बनाए हैं ये सब देखिए आपको बस खाली मोनोमर ध्यान में रखना है कैसे आप लोग खट से बना लीजिएगा इसका पॉलीमर का भी हम रिविजन कराएंगे वन शॉट देंगे आपको एकदम जल्दी क्योंकि अब टाइम नहीं है ठीक है बेकेलाइट बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल से बनता था एक फिनॉल से बनता था दूसरा फॉर्मल से बनता था इसी का था दूसरा मेलामाइन और फॉर्मल डियाइड ये मेलामाइन और फॉर्मल से बनता था मेलामाइन और फॉर्मल से बनता था ये पॉलीमर है ये इसका मोनोमर है मतलब इसी से बना है ये अगर ये केला का खानी है तो ये एक केला है ये अगर अंगूर का गुच्छा है तो ये एक अंगूर है ये पूरा अगर दीवाल है तो ये ईंट है नहीं ये एक पीस है ये पॉलीमर का हम अलग से दे देंगे जहां पर भी रबर का बात होगा ये ब्यूटाडाइन आएगा ही आएगा अच्छा नेचुरल रबर जिसका नाम था पॉली आइसोप्रीन ये बनता था आइसोप्रीन से जो चीज है ना उसी के बस सेकंड कार्बन पर सी एस थ्री लगा दीजिए देखिए यही नेचुरल रबर अच्छा उसके बाद बुना एन ये दो चीज से बनता था ब्यूटाडाइन वही बोले रबर आएगा तो ब्यूटाडाइन तो आएगा ही आएगा साथ में एकराइलो नाइट्राइल ले लीजिए एकराइलो नाइट्राइल उसके बाद फिर जो है नियोप्रीन ये क्लोरोप्रीन से बनता था वही चीज है सेम बस सेकेंड कार्बन पर आप सी लगा दीजिए उसके बाद था पी एच पॉली ठीक है इसका बड़ा छोटा सा फुल फॉर्म होता था ठीक है ये थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड

समझ में आ रहा है ये पॉलीमर आपको बोल देगा ठीक है और उस पॉलीमर का क्या बोलेगा कि आप मोनोमर बता दीजिए ठीक है पॉलीमर का मोनोमर तो पॉलीमिन का पॉलीथीन का मोनोमर ये और ये टोटल पॉलीमर का देखो मोनोमर हम आपको दे दिए ठीक है अच्छा ये हम कहना चाह रहे हैं कि पॉलीमर का हम आपको वन शॉट कराएंगे तो हल्का सा ऐसे बोल भी दिए लेकिन उस समय ना आपको और ज़्यादा मजा आएगा तो इसको हम क्या उसके लिए रहने दें अभी आपका कम समय में हो जाएगा फिर यस सर यस सर यस सर हाँ हाँ वही ये बड़ा बड़ा क्लास भी नहीं जाएगा मेन मेन तो उधर छः सात लॉन्ग क्वेश्चन में आपको रिविज़न करा दिए ठीक है यस 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 नहीं नहीं छोड़ो आउट फॉल्व प्रोसेस का चलेगा ऐसे भी हूँ हूँ ठीक हु. है आ, ये पॉलीमर का भी हम वहीं रिवीजन करा देंगे बाबू ठीक है ये वाला पॉलीमर का दोनों क्वेश्चन जो है एक ही साथ हो जाएगा पूरा डेफिनेशन के साथ ही हम यही वाला कर देंगे ठीक है ये दोनों ये आपका वन शॉट दे चुके हैं कुछ ही दिन पहले शन कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का ठीक है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी नाम अगर लिखना हो तो खटाखट कर लीजिएगा ये वाला ग्यारह रीजनिंग क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन जो है इधर भी एनसी क्या कहते हो पी ब्लॉक को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए थे उसमें बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन है मैक्सिमम रीजनिंग क्वेश्चन याद रखिएगा वहीं से आएगा तो एक चीज कि लॉन्ग में कभी कभी क्या करता है वन टू थ्री करके तीन तो क्या करेगा ओ बंदर देखो एकदम धड़ाम तो सोचे हैं एकदम छत पे जो है बंदर जो है छाया हुआ है वाह बड़े दिन के बाद दिखा ठीक है रीजनिंग क्वेश्चन और कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट वो जो शॉर्ट क्वेश्चन सब हम आपको लिखाए थे पी ब्लॉक में और हम इधर कुछ दिन पहले भी आपको जो पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से क्या करेगा तीन ठो क्वेश्चन दे देगा तीन क्वेश्चन दे देगा और वो लॉन्ग बन जाएगा तो कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा ठीक है एक ये उसके बाद वॉट हैपेंस से कल आ रहा है कल पूरा का पूरा एक ही दिन में व्हाट देंगे बाबू ठीक है नेम रिएक्शन ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं मेन मेन आपका नेम रिएक्शन आपको दे चुके हैं ठीक है ठीके? कुछ कुछ एक्स्ट्रा और एक दिन में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे तो कर देंगे ठीक है ये नेम रिएक्शन उसके बाद खत्म खत्म खतम खत्म खत्म ठीक है डिफरेंस वाला भी एक उसमें दे देंगे आपको डिफरेंस वाला लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाला कहाँ गया जी कार्बोहाइड्रेट इसमें एक चीज और बताए थे हम आपको अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ ये वाला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट वाला ठीक है इसकी तो तुम कॉपी भर देगा कार्बोहाइड्रेट वाला में यहाँ, हाँ कार्बोहाइड्रेट इसको भी लिखना है ठीक है कार्बोहाइड्रेट में आप सबसे पहले क्या करना परिभाषा बना देना कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले आप क्या बना अगर किसी के पास आंसर इसका नहीं होगा ना तो ऐप में एकदम फ्री स्टडी मटेरियल में, में इसका नोट ही डाल देंगे हम मस्ती के साथ तुम लोग कर लेना हल्का सा भी हम समझा भी देते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट क्या था भाई सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या बोले थे द ऑप्टिकली उप्ति, एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बन और अगर पानी रहा कार्बो का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो गया पानी तो अगर कार्बन का हाइड्रेट रहा तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं याद करिए आप लोग ठीक है कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं लेकिन बोले थे ये वाला परिभाषा हमें कमी बहुत है तो आपको परिभाषा कौन सा याद रखना है वह ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इससे अगर हम लोग लाइट को पास कराते हैं तो लाइट को वो दो डायरेक्शन में मोड़ देता है तो इसलिए बोलते थे वह ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी इसमें बहुत ओ एच होता था पॉलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइड्रोक्सीडीहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो जो पानी पानी या compound, या पॉलीमेरिक कंपाउंड पॉलीमर भी हो सकता है जो पानी में जाने के बाद फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइड्रोक्सिकटोन देता है तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक कार्बोहाइड्रेट है ना वह ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीमेरिक कंपाउंड जो जल अवघटित होकर मतलब पानी में जाकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसका एक एक्साम्पल बताए थे सी बार

अब कीटोन बनाना था तो हम क्या बोले थे ऊपर भी सी एच टू ओ एच नीचे भी सी एच टू ओ एच ठीक है ऊपर से जस्ट नीचे वाले कार्बन पर कीटोन देना है फिर यहां पर तीन हो जाएगा गाना गा दो ओ OH, एच OH, ओ एच एच अब तो नहीं है तो छोड़ दो ओ OH एच है तो इधर हो गया एच एच यहाँ ओ एच तो कार्बोहाइड्रेट उसी को कहते थे जो पानी में जाने के बाद फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी सब दे दे है ना पॉलीहाइड्रोक्सी सब दे दे देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी दिया देखो यहाँ कीटोन है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट क्या था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद फिर से पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता था ठीक है अच्छा उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटे थे सुगर और नॉन सुगर लिख देना कितना बड़ा बात तुमको हम बताए थे उस दिन याद है नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था कि सुगर जो होता है मीठा होता है नहीं ना जानते थे कभी ठीक है तो इस दोनों के बारे में हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे तो वो भी लिख दीजिएगा इतना ही लिखते लिखते तो डेढ़ पेज चला जाएगा ठीक है उसके बाद फिर से हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया था ठीक है पहला मोनोसेक्राइड दूसरा ओलिगोसैक्राइड तीसरा पॉलीसैक्राइड जिसका जल जलअघटन नहीं होता है वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है उसको मोनोसेक्राइट कहते हैं जो जल जल में जाकर दो से नौ दो से नौ कार्बोहाइड्रेट मो, सॉरी मोनोसैक्राइड देता है उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं और जो नौ से भी ज्यादा दे दे उसको पॉलीसैक्राइड कहते हैं यह डिफिनेशन लिखते लिखते दो से ढाई पेज चला गया बोले तुम कितनों छोड़ोगे ना तो भी पांच नंबर कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएगा इतना एक्स्ट्रा हम लोग पढ़े हैं उसमें ठीक है मोनोसेक्राइड टोटल बीस मोनोसेक्राइड जो है नेचर में उपस्थित था ठीक है तो ये ये सारा का सारा चीज आप लोग जो है लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत आसानी से आप जो है आराम से ढाई तीन पेज क्वालिटी वाला आंसर लिख दीजिएगा इतना बेहतरीन से हम लोग पढ़े हुए हैं तो अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उलझ जाना एकदम मस्ती से कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिखना और तीन चार बार कार्बोहाइड्रेट को बांटे हैं ठीक है आप जितना लिख सकते हो उसको लिख देना लेकिन अच्छे से एकदम सब जैसे जैसे हम बताएं ठीक है क्या हो जाएगा ये यस 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 थैंक यू बाबू चलो बहुत प्यारे बाप रे बाप सोहेल अंजुम बहुत बड़ा टाइटल दे रहे हो बाबू गॉड करे कि हमको उसको निभाने का ताकत आए यस 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 पीडीएफ जल्दी दे, दे देंगे बाबू जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा ना उतना जल्दी हम पीडीएफ दे, दे देंगे ठीक है हाँ सात नंबर का जो एक्सट्रैक्शन है ना प्रिया रंजेश कुमार जी अभी जो हम बताया आपको कि जस्ट कुछ ही दिन में ना मतलब मेटलर्जी का हम वन शॉट करने वाले हैं तो मेटलर्जी का वन शॉट में दे देंगे आयरन का एक्सट्रैक्शन और एल्यमियम का सब चला जाएगा अब पॉलीमर का तो हल्का सा बताया लेकिन पॉलीमर का भी वन शॉट देंगे दोनों उसी में कर देंगे ठीक है हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में रखना है और एक तो डिफरेंस बताएंगे आपको जी डिफरेंस जो है ना ये भी बता देंगे ठीक है आ, आ, ये क्या कहते हैं जैसे कि एसिड 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 एथेनोइक में डिफरेंस बताइए एक ऐसा टेस्ट दीजिए जो कि मैथेनिक एसिड एथेनोइक एसिड में एसिटिक एसिड प्रोपेनिक एसिड में फॉर्मल कीटोन में अंतर बता सके वो भी हम आपको बता देंगे ठीक है अभी नोटिफिकेशन आया है <laughs> हाँ आज मतलब बहुत आ, मतलब बहुत को हो सकता है पता नहीं चल पाया होगा क्योंकि हम जो है ना मतलब एकदम लेट में जो है सुबह में सात बजे क्लास लगाए दस बजे या ग्यारह बजे होगा बहुत पहले हम लगाए थे मतलब बहुत आ, लेट में लगाए थे सॉरी पहले नहीं ठीक है चलो मतलब मजा आ गया ठीक है आ, अभी टोटल जो आज लॉन्ग क्वेश्चन हम किए हैं मतलब हमको लग रहा है कि इसमें से करीब करीब आपका आ जाएगा कल हम व्हाट हैपेंस वन कर देंगे कल व्हाट हैपेंस वन कर देंगे लगभग लगभग आठ नौ लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी हम आपको रिवीजन करा दिए पॉलीमर का थोड़ा सा कराए लेकिन और कर देंगे हम आपको और एक, एक्सट्रक्शन ऑफ आयरन जो है ना और वो सब सब जब मेटलर्जी का जो वन शॉट कराएंगे ना तब करा देंगे ठीक है नेम रिएक्शन ये सब करा चुके हैं व्हाट हैपेंस वन करा देंगे व्हाट हैपेंस वन हम आपको करा देंगे तो इसमें आप समझ लीजिए कि श्योर आना ही आना है कन्फर्म ठीक है वो आराम से आप छः क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन जो है आप आराम से बना दोगे ठीक है चलो जो आप खाना पीना खाओ और कल का इंतजार करना कल व्हाट हैपेंस व्हेन करेंगे ठीक है अगर खाना बना लिए हो तो एकदम तो टूट पड़ो बहुत समय अभी और बाकी है धड़धड़ा के पढ़ना डरना वरना एकदम नहीं है निगेटिव चीज़ों से एकदम दूर रहना है अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रहिए फुल एनर्जेटिक रखिए और मतलब बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम ये एकदम कन्फर्म रखना है अपना हिस्सा का बस तुम मेहनत करते जाओ बाकी सब जो है ना गॉड पे छोड़ दो इतना चूंकि मेहनत कर रहे हैं ना तो गॉड अच्छा चीज देंगे ही देंगे पूरा पॉजिटिव रहो मस्त रहो ठीक है और मिलते हैं हम लोग कल व्हाट एपन्स मैन के साथ नहीं यस 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 थैंक यू बाबू सर आपकी वजह से केमिस्ट्री पढ़ता <laughs> चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अब जो हाँ, एकदम अच्छे से खाना पीना खाओ एकदम जो है नहीं तो बनाओ और अगर बना लियो तो टूट पड़ो और एकदम पॉजिटिव रहेगा मस्त रहना चेहरे पे स्माइल रखना और मस्ती के साथ पढ़ते रहना ठीक है बिंदास रहो एकदम मिलते हैं हम लोग कल व्हाट हैपेंस सेवन के साथ एक ही क्लास में पूरा व्हाट हैपेंस सेवन ख़त्म कर देंगे मिलते हैं हम लोग कल आज के लिए भी के लिए आज के लिए भी के लिए इतना ही